Assalamualaikum, good morning Pakistan. कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, मजे में. शुरू कर दिया मैंने वेलवेट पहनना भाई. हाँ, लग रही है मुझे सर्दी. सुबह सुबह बहुत सर्दी होती है और अभी कराची भी सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, तो क्या हुआ पंजाब वाले तो जैकेट्स पहने हुए मुझे नज़र आ रहे होते हैं. जो बाकी इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ तो सर्दियाँ बाकायदा शुरू हो गई हैं. स्कर्दू वगैरह और मतलब लाइक बलूचिस्तान. तो जनाब, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ उन रिश्तों की. ये बातें एक्चुअली वो हैं जो मैं आज आपसे करने वाली हूँ, जो आप जब भी अपनी दोस्तों से मिलती हैं, अपनी बहनों से मिलती हैं, उनसे ज़रूर करती हैं बातें. चाहे आपका ताल्लुक किसी भी क्लास से हो, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास या अपर क्लास, ये मसले मैं बताऊँ आपको, इंटरनेशनल हैं. सिर्फ पाकिस्तानी मसले नहीं हैं. हाँ, पाकिस्तान में थोड़े, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में थोड़े अलग से लिए जाते हैं, लेकिन जो जो लाइक आप अगर यूरोप या कहीं और बाहर गोरे को देखें, तो वहाँ भी थोड़े बहुत ये मसाइल एक्चुअली होते हैं, क्योंकि हर रिश्ते की कोई ना कोई डेफिनेशन होती है. अच्छा, इस तरह के प्रोग्राम्स करने का मकसद क्या है? सबसे पहले तो मैं ये उन लोगों को बताना चाहूँगी जो मुझे मोहब्बत से देखते हैं, उन लोगों को नहीं जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाने के लिए तैयार रहते हैं. ये जवाब मेरा उन लोगों को है जो मेरे इंतज़ार में रोज़ सुबह 9 बजे, कभी कभार मैं लेट भी हो जाती हूँ, लेकिन वो रोज़ सुबह 9 बजे टीवी लगाए बैठे होते हैं. और इसका आपको पता है मुझे कैसे पता चलता है? इसका पता मुझे चलता है जब मैं बाज़ार जाती हूँ, जब मैं ऐसी आम जगहों पर जाती हूँ जहाँ पर आप होते हैं, वहीं मैं जाती हूँ. मैं कोई ख़ास औरत नहीं हूँ, मैं एक आम औरत हूँ, और तभी मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ और आपको मुझसे अपनाइयत फील होती है. ख़ास औरत क्या होती है? ख़ास औरत वो होती है जो सुबह सवेरे उठकर ये सोचे समझे बगैर कि उसकी कमर में दर्द है, उसके सर में दर्द है, उसकी टांगे घुटने दर्द कर रहे हैं, मगर उसे अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, उसने अगर ख़ुद जॉब करनी है अपने मियाँ को हेल्प आउट करने के लिए, घर के हालात बेहतर करने के लिए, अपने फ्यूचर को एम्बिशन देने के लिए, तो उठती है वो सिर्फ अपने ऑफिस जाने के लिए नहीं, बल्कि सबको हेल्प आउट करने के लिए. बच्चों को स्कूल भेज दिया, हस्बैंड जो है उन्होंने ऑफिस जाना है, उनकी चीज़ें तैयार करके, और कुछ और नहीं करती तो एडमिनिस्ट्रेशन तो घर की कर ही रही होती. जैसे कि मैं हर रोज़ सुबह करती हूँ, मैं घर में मेकअप कराती हूँ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यासिर का काम थोड़ा देर से शुरू होता है तो चलो उसकी मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, कॉफ़ी चाय सब मैं देख रही होती हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर तो बनी होती हूँ. तो औरत हर घर की खास होती है. हम कहते ना हम आम औरतें हैं, नहीं, हम ख़ास औरतें हैं. हम जनरेशन को संवारते हैं, हम छोटे से बड़ा करते हैं, बच्चों को उनको तरबियत देते हैं. और हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरबियत कुछ ऐसी होती है कि हमारे बच्चे जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो लोग अशश करते हैं, वाओ कितने ज़बरदस्त स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी. तो बहरहाल ये क्रेडिट हम अपनी माओं को देते हैं, और वो माएँ क्या करती हैं? वो माएँ, जैसे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ कंबाइन फैमिली सिस्टम है. हमारे घर में सिर्फ एक माँ नहीं होती है, हमारे घर में चची या ताई, दादी, वो भी माएँ होती हैं. वो भी आपको तरबियत देने का काम कर रही होती हैं, छोटे मोटे जुमले बोल के, टोका टोकी करके वो आपको कहती हैं कि एक अच्छा इंसान बन के निकलो. और ये क्रेडिट सिर्फ माँ को नहीं जाता, बल्कि उन सारे लोगों को जाता है जो आपके साथ रह रहे होते हैं. हमारे अक्सर लोग एक साथ एक घर में रह रहे होते हैं सारे रिश्तेदार, तो क्या होता है, जहाँ बर्तन होते हैं तो वहाँ खड़कते हैं, और ये हर घर की आम बात है. कभी सास बहू में रंजिशें हो जाती हैं, कभी नंद भाभी में कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी मियाँ बीवी में, कभी जेठानी देवरानी में. ये नेचुरल फैक्ट्स हैं. क्या करूँ मैं, शो स्पोर्ट्स के ऊपर शो करूँ, खबरें सुनाऊँ आपको, पॉलिटिक्स में लेके चली जाऊँ, उसकी मतलब उसकी वो कहते हैं कान खींचूँ, उसके कान खींचूँ. मैं हूँ एक आम औरत आपकी तरह. मेरा मॉर्निंग शो वो हर ख़ास औरत बैठ के टीवी पे देखती है, जो कि मैं शुक्र गुज़ार हूँ. शुक्रिया कितने अरसे से आप देख रहे हैं. भले मेरे पास कोई PhD की डिग्री नहीं, भले मैंने कोई इंजीनियरिंग, लाइक मैंने प्री इंजीनियरिंग तो पढ़ी है, उसके बाद फिज़िक्स पढ़ा है, पढ़ी लिखी मैं हूँ. बहुत सारे लोगों ने लकब दिया जाहिल औरतों वाला प्रोग्राम, क्यों? अगर हम सास बहू पे बात करें तो क्या ये जाहिल औरतों वाली हो गई?
क्या आपके घरों में ये मसले नहीं होते? क्या आपके घर सास बहू, मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ, नन भावज, देवरानी जेठानी, आपके घर कोई रिश्ते एग्जिस्ट नहीं करते? क्या है ये? क्या आपकी जिंदगी एलियन है, सीधी जिंदगी चल रही है? नहीं, हम वही चीज़ करते हैं जो मेरे घर में भी होती है और आपके घर में भी होती है, और इसलिए हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं। क्या मैंने कभी कोई सास बहू, नंद भाभी या कोई भी ऐसा प्रोग्राम जब किया तो मैंने क्या कोई गलत साइड ली या कोई गलत राय का इजहार किया? देखिए, जब मैं बाज़ार भी जाती हूँ ना, जब बाज़ार भी जाती हूँ तो वहाँ भी मुझे अपनाइयत से लोग पकड़ के अपने दिल का हाल बयान करते हैं मुझसे, चाहे वो सास हो, चाहे वो भाभी हो, चाहे वो नंद हो। लिटरली मुझे कॉल्स आती हैं, मैं डॉक्टर हूँ और मेरी शादी के बाद मेरा करियर ख़त्म हो गया, मैं डिप्रेशन में हूँ। मैं बात करती हूँ उन लोगों से और मैं आम पब्लिक के करीब हूँ, इसीलिए मुझे पता है। जो अपने एसी के ड्राइंग रूम में बैठ के इंटरनेट पे कीबोर्ड वॉरियर्स जो हैं वो जिस तरह फायरिंग करते हैं मुझ पे, अब मुझे उसका उस फायरिंग का कोई असर नहीं होता, क्योंकि जो मोहब्बत मुझे मेरी इस खास औरत से मिलती है उसकी जगह ये इतनी सी नफरत मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखती। आई एम थैंक यू मेरी खास औरतों, उन छोटे छोटे नेगेटिविटी से मुझे निकालने की, नहीं तो मैं तो डिप्रेशन का शिकार हो जाती। अगर आप मुझे मिलकर हग ना करती, अगर आप मुझे मिलकर प्यार ना करती यहाँ गाल पे, अगर आप अपने हाथों से यहाँ मेरे गाल ना फैलाती कि निदा तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रही। मुझे कल परसों खत आया जर्मनी से, उन खातून का खत मैंने पढ़ा। उन्होंने अपने बच्चों के बारे में, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में वो सारी पर्सनल चीज़ें मुझसे लिखी थी, और उन्होंने कहा निदा मैं तुम्हारे शो पर आके ये चीज़ बताना चाहती हूँ। तो जनाब, ये यहाँ वो रिश्ते जमा होते हैं जो आपके घर की कहानी है, आपके घर की कहानी है, आपके घर की कहानी है, उन सब की कहानियाँ हम यहाँ लेकर आते हैं। हमें लगता है कि शायद इन बातों से, अगर आपके घर में सास गलत हैं, शायद उनको उनको लगे कि मैं अपने आप को सही करके देखूं, शायद अगर आप खुद गलत हैं एज बहू तो आपको अपनी गलती का शायद एहसास हो जाए। अगर आप हैं नंद या घर का कोई भी ऐसा फर्द जो घर के माहौल को थोड़ा सा नेगेटिव कर रहा है, जो घर के माहौल को उलझा रहा है, जितना अच्छा सुलझा हुआ साफ सुथरा घर का माहौल होता है, वहाँ रहने वाले उतने ही, वहाँ रहने वाले, वहाँ पलने वाले बच्चे ही उतने ही अच्छी तरह पनपते हैं। तो हमारा क्या काम है? मेरा काम कोई आपको नसीहतें करना नहीं है, एक फन पैक्ड प्रोग्राम दिखाना है। कभी उसका टॉपिक कुछ होता है, कभी उसका टॉपिक कुछ होता है, और आज उसका टॉपिक है एक्चुअली वो रिश्ता जो बहुत दोस्ती वाला भी रिश्ता है, बहुत हेल्पफुल रिश्ता भी है, लेकिन बहुत क्रिटिकल रिश्ता भी है। ये इस नंद भाभी के रिश्ते से कभी कभार मियाँ बीवी का रिश्ता टूट जाता है, और कभी कभार मियाँ बीवी का रिश्ता बनता ही इस नंद की वजह से है। वैसे तो फुप्पो नंद बेचारियों को बहुत बदनाम कर दिया है, मैं भी अब नंद बनने वाली हूँ तो शायद मुझे इस चीज़ का ज़्यादा एहसास हो रहा है। और जब मैं नंद वाकई बन, मेरे भाई की शादी है कुछ एक दो महीने में, तो जब मैं वाकई नंद बन जाऊँगी तो फिर मैं इस रिश्ते में डूब के जान सकती हूँ कि क्या फीलिंग्स होती हैं नंद की। अभी तो मैं सिर्फ भाभी हूँ। तो हर रिश्ते की एक डेफिनेशन होती है, हर रिश्ते की एक डेफिनेशन होती है। बाप बेटी का रिश्ता जो है, बाप बेटी के साथ शफकत से पेश आता है, वही बाप बेटों के साथ तनो गुस्सा, बिल्कुल सख्ती, गहरी नज़र लेकर चलता है। वाइस वर्सा माएँ बेटियों के साथ कभी कभार थानीदारने और उस्तानी बन जाती हैं, बेटों के साथ हल्की सी मुलायम भी हो जाती हैं, लाडे उठाती हैं। फिर बहन भाई का रिश्ता होता तो है लड़ाई झगड़ा मस्ती मजाक का रिश्ता, लेकिन राज भी एक दूसरे से शेयर करते हैं, दिल के हाल भी एक दूसरे को बयान करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं मियाँ बीवी का रिश्ता। मियाँ बीवी का रिश्ता तो एक ऐसा रिश्ता है जो एक दूसरे का लिबास कहलाया जाता है, मगर कभी कभार उनके अंदर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जो शायद किसी और रिश्ते में नहीं होती, मगर फिर कुछ ही दिनों में ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं हुई। अब अगर आप ये देखें बहू और ससुराल का रिश्ता, ससुराल का नाम सुनती ना एक
आपके ड्रामे, आपकी फिल्में, ये सब चीज़ें उसी पे बेस कर रही होती हैं। ससुराल का रिश्ता थोड़ा सा, एक आप सुन रहे होते हैं कि ससुराल जाओगी तो क्या करोगी, ये होगा वो होगा, सारी बातें आपकी अम्मा ही आपके कानों में, आपके दिमाग में इंड्यूस कर रही होती हैं, और वो आपके लिए एक खौफ क्रिएट कर देता है। जब आप विदा होके जाते हैं ससुराल में, तो थोड़ा सा एक खौफ सोसाइटी का होता है कि क्या मैं नई आई हुई लड़की सबके दिल जीत पाऊंगी। जीतने पड़ते हैं दिल, सिर्फ ससुराल के दिल नहीं, कहीं नया ऑफिस ज्वाइन करती हैं वहाँ भी दिल जीतती हैं, कहीं पढ़ाने जाती हैं वहाँ जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं उनके दिल भी जीतने पड़ते हैं। मैं सिर्फ ससुराल की बात नहीं कर रही, आपको अपने इंटेलिजेंस से, अपनी पर्सनालिटी से, अपनी रवैयों से नई जगह पे जाके हर किसी का दिल जीतना पड़ता है, चाहे आप नए एक्टर हों, चाहे आप नई होस्ट हों। ऐसे ही तो नहीं इतने साल इन्वेस्ट करके आपके दिल जीते मैंने, तो मेरे लिए वो छोटे छोटे नेगेटिव लोग जो शायद किसी को ना पनपता हुआ देख सकते हैं, ना किसी को खुश देख सकते हैं, जो अपने घरों में खुद आग लगा के बैठ जाते हैं, मुझे उनकी नेगेटिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप हैं मेरे साथ। और आज भी आपके मसाइल को लेकर कुछ कहानियां हैं मेरे पास, अगर कहानी खड़े होकर इस तरह सुनाने लगूंगी तो आपको लगेगा यार निदा आज क्या बोरियत कर रही है, क्या बोरियत फैला रही है। ढाई घंटे तक हम उसकी कहानियां सुनते रहे, उसकी नहीं उसको बताई हुई कहानियां, आम लोगों की कहानियां जो कि मेरे लिए बहुत खास है। तो आइए ये कहानियां हम आपको सुनाते हैं मुख्तलिफ तरीके से। मेरे साथ मेरे कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो ये कहानियां प्रेजेंट करते हैं ड्रामों की शक्ल में, आपको नजर आते हैं ये कैरेक्टर्स अलग अलग स्क्रिप्ट्स के साथ, अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। वेलकम टू सना आस्करी, डिफरेंट ड्रामों में भाभी एंड नंद के कैरेक्टर प्ले करके खुद प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत मैच्योर हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आज? बहुत कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? वैक्सीनेटेड चार दफा, एग्जैक्टली, स्पुटनिक एंड फाइजर, ओ माय गॉड, चार दफा हो गए, दोनों इंटेंस वाली लगवा ली हैं, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और आप ज्यादा ना सोचेंगे, जो ट्रोलिंग होती है डोंट थिंक टू मच, मैंने भी सोचा था रात को, बट देन आई रियलाइज कि मैं तो ड्रामों में एक्टिंग करती हूँ तब भी ट्रोल होती हूँ, तो खैर इट्स ओके, आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल लाइक डूइंग नाउडेज। आई डोंट नो सना, तुम मतलब जैसे कभी मैं अपनी दोस्तों में जाती हूँ जो मेरे बच्चों की जो माएँ हैं या और जगह हम जाते हैं, तो ये वाला टॉपिक सास बहू नंद बाब थोड़ा बहुत बहुत सारे टॉपिक्स के अलावा निकलता है। ये सिर्फ औरतों में नहीं है, ये मर्दों में भी है, यू नो, इवन गाइस डिस्कस अपने फ्रेंड्स में जब बैठते हैं वो करते हैं, तो इट्स समथिंग वेरी कॉमन, और ये हर इंसान करता है, इसमें कोई इतनी अनयूजुअल बात नहीं है कि जिसपे यू नो पीपल स्टार्ट ट्रोलिंग। हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि हम माशरे को खराब कर रहे हैं, exactly. हम लड़कियों को बिगाड़ रहे हैं, हम सासों को भर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर हम इसको पॉजिटिवली लें तो हम बेसिकली लोगों को हर चीज दिखा रहे हैं कि भाई ये भी होता है, एंड दिस इज हाउ यू कैन हैंडल इट, यू नो, आपको कितनी सारी बहुत सारी बच्चियों को हैंडल नहीं करना आता। इनफैक्ट लाइक जब मेरी शादी हुई आई वाज सो यंग, मुझे हैंडल नहीं करना आता, आई डिडंट नो, आई वाज 18 व्हेन आई गॉट मैरिड, यू नो, उस वक्त आप क्या कॉलेज में पढ़ रहे होते हो, मेरी पढ़ाई आफ्टर शादी कंप्लीट हुई, आई स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर शादी, तो मैंने जो सीखा है यू नो मैच्योरिटी लेवल पे वो मैंने शादी के बाद, एग्जैक्टली, फ्रॉम माय मदर इन लॉ, फ्रॉम माय नंस, यू नो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टचवुड आई हैव हैड वेरी गुड फैमिली, माशाल्लाह, लेकिन नेगेटिविटी होती है, इसको आप निगेट नहीं कर सकते, आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल, यू नो, और मुझे और हम गलत को गलत कह रहे होते, गलत को गलत, हमने कभी नहीं कहा कि गलत चीज सही है, और सोल्यूशन भी बता रहे ना साथ में, तो उसमें क्या हार्म है। सो आइए एक नई सुबह के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं, सना हमारे साथ, और इसी तरह डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हुए, नेगेटिव पॉजिटिव सारे कैरेक्टर्स प्ले करते हुए, उस उन ड्रामों की कहानियों से हुआ है इनको एक्सपीरियंस, जो ये यहाँ आकर अपने एक्सपीरियंस से मृत्यु पे बात करते हैं। शर्मीन हमारे साथ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक निदा, हाउ आर यू? फ्रेश, माशाल्लाह, लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू भाई, सब मेरी लड़कियाँ इतनी प्यारी है लगने लगी हैं, क्योंकि ये देखे ना जमाने के हिसाब से चल रही है, लेस मेकअप, लेस बेस, वो सारी चीजें हम सीख रहे होते हैं ना तुम लोगों से। ड्रामों में भी तुम लोग इतने नो मेकअप लुक में आते हो कि मुझे अच्छा लगता है। ड्रामे में तो स्पेशली आई फील कि स्क्रीन पे मेकअप थोड़ा सा भी लगाएं तो इतना ज्यादा मैग्नीफाई होकर आता है कि यू सेफर नॉट वेयरिंग अ लॉट ऑफ मेकअप। यस, यू आर राइट, यू आर राइट। तो शर्मीन यहाँ आ चुकी हैं, प्लीज बैठे हैं शर्मीन, थैंक यू। एंड हमारे साथ है एक और ऐसी एक्ट्रेस जो आपको ड्रामों में वही नंद और भाभी का कैरेक्टर तो प्ले करके करती हुई नजर आती है, लेकिन
ये तीनों जो मेरे पास जो तीसरी भी गेस्ट हैं ये बोलने में बहुत इसलिए अच्छी हैं क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंसेस अपनी ऑब्जर्वेशन से लिए हैं. ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेंट है. इनके साथ भी जो आम खवातीन मिलती होंगी वो रिलेटेबल होती होंगी. जब ये नंद बनती हैं तो नंदे आके इनसे बात करती होंगी. जब ये भाभियाँ बनती हैं तो फिर भाभियों आके इनसे कभी ना कभी बाजार में जब दुपट्टे रंगवाने जाती होंगी तो कोई ना कोई आके मिलता होगा और कोई ना कोई कॉमेंट पास किया ही जाता होगा. आइए वेलकम करते हैं हिरा सोमरो. अस्सलामुअलैकुम. कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए. बस अल्हम्दुलिल्लाह. कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक जी. तो भाई आइए तशरीफ रखें आप तीनों. और आप तीनों मेरे फेवरेट गेस्ट खास तौर पे इन टॉपिक्स में इसलिए होते हैं कि सबके पास कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना. कभी कभार कुछ गेस्ट आ तो जाते हैं चुप बताते हैं अच्छा क्या बात करें मगर आप लोगों की इतनी उम्र तो नहीं है. वो कहते हैं ना मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए. मगर जो आप लोगों की ऑब्जर्वेशन है एज एक्ट्रेसेस वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. जो आप इर्द गिर्द के ड्रामे करते कितने ड्रामे कर चुकी होगी सना? गिनती की है कभी? शर्मीन सोचो तुम, हेरा तुम सोचो. आई थिंक 9-10 कहा था कि हमारी ऑडियंस को स्पेशली जो हमारे ड्रामास में दिखा रहे होते हैं ना प्लीज उसको मत ज्यादा फॉलो किया कीजिए क्योंकि वो एक एंटरटेनमेंट है. वो रियल लाइफ नहीं है. उसको बहुत एग्जैजरेट करके दिखाया जाता है. तो अगर ड्रामे में सास बहू पे जुल्म कर रही है तो ये नॉर्म नहीं है. ये नॉर्मल चीज नहीं है. मैं आपको एक बात बताती हूं. सही है. आई हैव बीन वेरी क्लोज टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एज वेल बिकॉज मैं सिंध से हूँ. फिर मेरी आदत है मतलब मैं लोगों से बात करती हूँ. जैसे आपने कहा ना इफ़ आई मीट समवन आई विल टॉक टू देम. तो हर तरह का बंदा है पाकिस्तान में. तो ऐसे भी लोग हैं यकीन करें टू माई बिलीव मे बी मेरे घर का बिल्कुल मेरा फॉर मी रियालिटी इज़ वेरी डिफरेंट. बट ऐसे लोग हैं कि जो ड्रामे में हम एग्जैजरेट करते हैं उनकी ज़िंदगी वैसी है. तो ज़रूरी नहीं कि हमें हर किसी की ज़िंदगी के बारे में पता हो. कभी कभी बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक भी जिंदगियाँ होती हैं. बड़ी मुश्किल भी होती है. और आपके रिलेटिव्स भी वैसे हो सकते हैं. वेरी नॉर्मल. एब्सोल्युटली. एक और चीज़ मैं शर्मीन की बात मुझे वहाँ करनी थी. मैं सोच रही थी मुझे क्या बोलना है. ये जिन्होंने एंटरटेनमेंट की बात की है इवन फॉर दिस शो इट्स ऑन एन एंटरटेनमेंट चैनल इट्स नॉट ऑन अ न्यूज़ चैनल. एग्जैक्टली. तो ये आपको एंटरटेनमेंट ही प्रोवाइड करेगा. मैंने लोगों से यही कहा तुम सुनाओ कि पता है मेरी पड़ोस में एक औरत थी उसके साथ ये हुआ. पता है नदा सुनमीन ये बताया. अगर हम यही बातें इस तरह किस्सों में करेंगे आई डोंट थिंक सो कि कोई देखेगा वो कहेगा यार मतलब बोर हो रहे हैं. आप आपस में बैठ के जो बात कर रहे होते हैं ना दैट्स समथिंग डिफरेंट. सो वही आई थिंक बात को ये एक्सप्लेन करना जरूरी है कि एंटरटेनमेंट और न्यूज में बहुत फर्क है. इंफोटेनमेंट में बहुत फर्क है. एग्जैक्टली. सो यू नो ये अवेयरनेस आई थिंक इसके लिए एक अलग शो हम करेंगे. अच्छा ये बात बहुत अच्छी है. ये बात अब बहुत अच्छी है कि सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हैं अवेयर हैं. पता है उनको कि अच्छा अब हमारे सराउंडिंग में क्या है. वो रिस्पॉन्सिबल है. बट अब ये थोड़ा सा ये देखना चाहिए उनको कि अगर ये चीज हार्मफुल नहीं है इट्स नॉट हार्मफुल फॉर सोसाइटी इट्स नॉट हार्मफुल फॉर यू. तो अगर आपकी रियलिटी नहीं भी है आपकी एक्सेप्टेंस नहीं भी है तो आप उसको जाने दीजिए क्योंकि क्या पता कोई एंटरटेन हो रहा है. नहीं दूसरी बात ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट एंटरटेनमेंट. ऐसे शोज करने का मकसद ये भी होता है कि अगर कोई घर पे बैठा इस कहानी से रिलेट कर सकता है तो वी एज यू नो थर्ड पार्टी जो हम अपनी सजेशंस दे रहे होते हैं ना. एग्जैक्टली. हमने गलत को गलत कहा सही को सही कहा. तो जो हमने नहीं अगर घर में कोई ऐसी सास है जो अपने बहू के साथ वही बिहेवियर रखती है जो कि उस शो में रखती थी तो कोई तो उसे आईना दिखाने वाला. हम जो बोल रहे थे कि नहीं ये गलत कर रही हैं तो हो सकता है उनको भी ये हिट करे बात के सिर्फ मैं ही मेरे जैसे लोग अगर है तो उनको सब बुरा बोलते हैं. मे बी आई शुड चेंज माई वेज. और वो जो एक थिन लाइन है ना कि आप क्रिटिसाइज करें हेल्दी क्रिटिसिज्म करें किसी की दिल आजारी ना करें. बिल्कुल. कि मतलब हर चीज पे अगर आप बैश करने लगोगे तो बंदा किस एनर्जी से काम करेगा. अब तो आदत सी है मुझको. नो बट यू नो एज अ ह्यूमन. अच्छा नहीं मुझे होता है कि कभी-कभी मुझे रोना आ जाता है. मैं भी बहुत हर्ट होती हूं. हां यू नो बिकॉज आप एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं. यू नो यू आर गिविंग योर 100%. अच्छा मैं होती थी शुरू में जब मैं जाती हूँ कहीं और जो आम औरत है जिस तरह के मुझे गले लगाती है तो मैं कहती हूँ वो कौन है लोग. वो कौन लोग हैं जो बैठे हुए हैं और मुझे पता नहीं क्या क्या इतने मेरे पूरे खानदान मेरे बच्चे अबाव अजदाद तक पहुँच गए. वो कौन है
ये तो उनकी आंखों में मोहब्बत, मैं सलून जाती हूँ पेडीक्योर कराने, सामने वाली औरत की आंखों में मेरे लिए प्यार होता है, नफरत नहीं होती। और ना ये सिर्फ हमारे कंट्री में नहीं है, पूरी दुनिया में रियलिटी शोज होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा अपने घर की वो डर्टी लॉन्ड्री टेलीविजन देखते हैं, पूरी लोग दुनिया बैठ के देखती है। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, हम बहुत जज्बाती हो गए, बहुत दुखी हो गए। हाँ, लेकिन हम दुखी नहीं रहेंगे अगर आप हमारे साथ रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, वो सारी कहानियाँ सुनने और देखने के लिए जो शायद आपके इर्द गिर्द बहुत ही करीब नजर आती होंगी, आपको बेयर भी करते होंगे आप। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज हम आपसे वो कहानियाँ शेयर कर रहे हैं जो शायद आपके घर में होती हैं या आपके इर्द गिर्द आपको नजर आती हैं। नंद भाभी एक ऐसा रिश्ता है जो जिस रिश्ते से सबको ही एक्चुअली गुजरना पड़ता है। अगर आपके भाई हैं तो आप भी नंद होंगी, मैं अभी तक नंद बनी नहीं हूँ, मेरा एक भाई है लेकिन इंशाल्लाह एक डेढ़ महीने में बनने वाली हूँ। You'll be good. हाँ हाँ, वो मैं थोड़ी चिल वाली नंद होंगी, मुझे ऐसा लगता है। I think आप तीनों बहनें काफी चिल्ड आउट हैं। हाँ, ये है कि you're occupied as well ना, बच्चे अपने टाइम ही नहीं है, सही बात है, अपने सब घर में। हमारी अम्मी जब थी हयात ना, हमारी अम्मी थोड़ी सख्त नेचर की थी अपनी बेटियों के साथ भी, तो हमें बड़ा डर लगता था अम्मी जो है ना वो बड़ी जालिम सास ना बन जाए। तो हम उनको पहले से ही ना समझाते रहते थे, अम्मी देखे ऐसे, क्योंकि अम्मी थोड़ा मुंह पे बोल देती थी, उनकी आदत थी, दिल की वो बुरी नहीं थी लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो सबके साथ। और भाई भी लाडला, और भाई भी इकलौता, तो हमें बहुत डर लगता था कि हमारी भाभी का क्या। तो कभी कभार नंदे ऐसी भी होती हैं, तो लाइक मेरी नंद भी कभी होता था कि अगर कभी मेरी सास के मुँह से कुछ निकल गया, स्लिप हो गया, माए होती है ना वो सादी होती है दिल की, वो बोल देती है जो उनके दिल में होता है ना। रिश्ते जब आगे बढ़ रहे होते तो वो नहीं रखती दिल में, बहुत सारी माएँ कंट्रोल कर जाती, लेकिन अक्सर माएँ सर्टन एज में कंट्रोल नहीं कर पाती। तो हमारी नंद भी आके, मेरी नंद भी आके जो है मेरी सास को मोल्ड करती थी, समझाती थी, किसी भी भाभी के साथ अगर उन्होंने ज्यादती, मतलब ज्यादती का लफ्ज़ तो बड़ा है, थोड़ा बहुत ऐसा कर दिया, सख्ती से पेश आ गई, तो मेरी नंद थी वो चाबी घर की जो आके उनको थोड़ा सा ब्रेन वॉश करती थी कि नो आप गलत हैं। सो नंदे हर तरह की होती है, उनके मूड स्विंग्स भी होते हैं, भाभियाँ भी हर तरह की होती है, उनके भी मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कुछ मियाँ से लड़ाई हो गई तो वो नंद से भी मूड छोड़ के बैठ जाती है। मैं भी ऐसे ही करती थी, मेरी मियाँ से लड़ाई हुई है तो मैं नंद और सास से बस बात ही नहीं करी, और मेरी मदर इन लॉ, हम लोग साथ रहते थे तो वो बेचैन हो जाती थी कि निजाम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, हुआ क्या है, तो फिर वो मेरी यासर से दोस्ती कराती थी। और फिर एक पॉइंट आया होगा, उनको पता होगा कि ये बात नहीं करी, इनको पता होता था कि अगर ये मुझसे बात नहीं करी इसका मतलब ये है कि फड्डा यासिर से है, तो वो फिर उनको बेचैनी होती थी कि हम एक घर में रह रहे हैं। मैं इसलिए बात नहीं करती थी, साफ बात है, मैं इसलिए बात नहीं करती थी कि गुस्सा बेटे का माँ पे ना उतर जाए, तो उनकी रिस्पेक्ट में नहीं कमी आनी चाहिए। मियाँ बीवी दोस्ती करके फिर एक हो जाते हैं, मगर जो सास बहू का रिश्ता है, नंद बाबत का रिश्ता है, बहुत क्रिटिकल, एक लाइन बड़ा इसको संभाल के लेके चलना पड़ता है। कुछ दिनों, कुछ सालों तक इसको संभाल लिया तो सारी जिंदगी संभल जाए, सही है ना। तो आइए शुरू करते हैं, आप नंद हैं कि नहीं है? नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है। कोई भाई नहीं, और तुम हो? मैं बिल्कुल हूँ। तुम्हारे कितने भाई हैं? मेरा एक ही भाई है, वो बाहर ही होता है, और भाभी भी बाहर होती है। लोग कोई झगड़ा ही नहीं दूर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। हां, एंड आई एम टू बिजी विद माय ओन लाइफ एंड माय सेल्फ। हां अच्छा, तो मेरी भी नहीं आनी होती। हां, तो वो जब आते हैं तो चल सीन होता है। ओए होए होए, और तुम? मैं तो भाई नहीं है। भाई नहीं, ये वो है जो हम, वो है जो अभी तक हम लोग जो है वो एक है हमारे में, नंद है और कोई भी नहीं है। लेकिन निदा, मेरी तीन बहुत क्लोज फ्रेंड्स ऐसी हैं जो कि शादी के बाद जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, और वो तीनों ये कहती हैं कि हमारा जॉइंट फैमिली में गुजर ही हमारी नंद की वजह से हो रहा है, क्योंकि इतनी अमेजिंग रिलेशनशिप है भाभी और नंद की, कि कहीं बहुत जगहों पे बल्कि नंद मियाँ के लिए भी कॉम्पनसेट कर रही होती है कि अगर मियाँ से थोड़ी सी अनबन चल रही है, कोई इशू आ, तो यू नो द सिस्टर इन लॉ स्टेप्स इन, भाभी को कंफर्टेबल फील कराना, या औरत को समझती है ना। हाँ, जो आपने कहा सास ने सख्ती कर दी, तो नंद इंटरवीन करती है कि नहीं अम्मी आप ये गलत बात कर रही हैं। सीनियर होती है, उनका जरा टाइमिंग में फर्क होता है, वो सीनियर होती है, वो समझती नहीं है ना मेंटल लेवल कभी कभार ना। एग्जैक्टली, अब नंद तो अपनी एज के हिसाब से, मेरी एक नंद का इंतकाल हो गया जिसे मैं बहुत क्लोज थी, इवन अपनी बहन से ज्यादा।
तो उनसे मैं इतनी क्लोज थी कि अगर मेरी मिनहास से लड़ाई होती थी तो मैं सीधे उनको कॉल करती थी. और लिटरली मैं कॉल करती थी और विद इन हाफ एन आवर वो घर पे होती थी. क्या मसला है तुम बताओ तुमने क्या बकवास की है, यू नो. तो शी वाज दैट सॉर्ट. और जो छोटी वाली है वो और मैं हम बिल्कुल सिमिलर हैं नेचर वाइज सारा कुछ. तो वे फ्रेंड्स, लेकिन अगर हमारी कहीं जैसे डिसएग्रीमेंट होती है तो अब हम ये सोचते हैं कि मैं तो नहीं कर रही अभी सॉरी वो भी नहीं करती. लेकिन अल्टीमेटली हमें पता होता है कि सॉरी वॉरी करने की जरूरत नहीं, वो टॉक. अच्छा, यहाँ तो हमने अपने एक्सपीरियंसेस बयान किए, लेकिन अभी दुनिया में अलग अलग एक्सपीरियंस है. कभी कहीं भाभी हल्की सी गलत होती है, कभी कहीं हल्की सी नन गलत होती है. ऐसा नहीं होता कि एक्सट्रीम पे नंद ही गलत है, एक्सट्रीम पर भाभी गलत है. ये जो एक्सट्रीम वाले रिलेशनशिप है ये आपको ड्रामे और फिल्मों में नजर आते हैं, मगर प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कुताही इधर उधर दोनों से होती है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है. आइए इन कहानियों के साथ सिलसिला शुरू करते हैं, सबके घर की अलग कहानी. पहली कहानी हमारी भावज और नंद की जो है, सबीता है हमारे साथ एंड इकरा जी. सबीता कौन है, इकरा कौन है? जी मैं सबीता हूँ. आप सबीता? मैं इकरा. मैं नंद हूँ. अच्छा, और ये भाभी हैं. हाँ, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं नंद भाभी जी? अलग देखिए, ऐसे तो जो आजकल वो होता है ना बाकायदा फुप्पो और नंद और उन लोगों के ऊपर बड़ा मजाक और बड़े लतीफे बन रहे होते हैं, तो आपको इस चीज से गुजरना पड़ा क्या एज नंद? हमेशा ही ऐसा ही होता है कि नंदे एक प्रेशर में होती हैं, क्योंकि नंद तो वो होती है जो भाभियों को इतने प्यार खुलूस से लेकर आती हैं शादियां करके, फिर क्या होता है नंदे हमेशा बुरी बन जाती हैं. बट ये समझ नहीं आता कि नंद का करेक्टर हमेशा से सबके माइंड में इतना गलत इतना ख़राब क्यों है. हाँ, अब इनको क्या मुझसे प्रॉब्लम्स हैं ये तो मैं नहीं जानती, वो तो आज यहाँ हमें मालूम होगा. हाँ, कि ये दिल में इनके क्या क्या चीज़ें हैं. हाँ, तो अच्छा अब इससे पहले कि मैं भाभी के पास जाऊँ, जनरली अगर मैं आपसे पूछती हूँ तो आपको क्या लगता है कि भाभियों की वजह से नंदों को प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है? मैं ये नहीं कह रही कि आपकी भाभी से हो रही है आपको, लेकिन अगर आप जनरली देखती हैं तो आप क्या सुनती है कि क्या प्रॉब्लम है भाभी से नंद को? भाभी से नंद को तो कभी नहीं होती, क्योंकि वो तो इतनी प्यार मोहब्बत से भाइयों के अरमान होते हैं कि उनकी भाभी वाइफ लेकर आनी है. फिर क्या होता है ना कि इनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. होता ये है कि फिर कोई ना कोई बात, कोई ना कोई इशूज़, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स घर में, फैमिली का पूरा एनवायरनमेंट खराब. अच्छा, आपको लगता है नंदों को भाभियों से कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, मुझे नहीं. चलें, आप खुश नसीब है, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन कुछ और कहती है. हाँ, क्यों मैं बताती जी, आप बताइए एज भाभी. नहीं, मैं कह रही हूँ नंदों को भी भाभी से प्रॉब्लम्स होती हैं. लाइक मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है, जो आपस में मैं किससे कहानियाँ सुनती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, वो भी है, वो हम डिस्कस करेंगे. लेकिन चले पहले आपकी बात सुनते हैं. एज भावज क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? बदकिस्मती से ये मेरी नंद बन गई हैं. अच्छा, बट अब बन गई हैं तो बन गई हैं. मसला ये है कि इनका हमेशा से असल जो होता है ना, एक कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है इंसान. एक जैसे आप एक सामने वाले को नीचा दिखा रहे हैं. इनका ये है कि ये शादी से पहले भी जीना हराम था हमारा, शादी के बाद भी जीना हराम. क्या वजह थी ऐसी? ये गई हैं बड़े घर में शादी होकर. अब ये वहाँ शादी होकर गई हैं तो इनका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, घर बार हर चीज़. तो ये मतलब ब्रांड्स पहनने लग गई हैं. अब जब ये घर आती हैं, आकर ये कहती हैं कि आज मैंने इस ब्रांड का ड्रेस पहना है, तो आज मैंने उस रेस्टोरेंट का खाना खाया है, आपने इतना सड़ा हुआ सूट पहना हुआ, आपने फैसल बाजार का ड्रेस लिया हुआ. मतलब आप अगर अच्छा ब्रांड पहन रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला भी आपकी ही लेवल पर होगा. आपका भाई जितनी इनकम मतलब देता है, मैं उसके हिसाब से घर के अखराजात पूरे करती हूँ. इसका मतलब ये नहीं है आप सामने आकर मुझे जो है कॉम्प्लेक्स का शिकार बना रही हैं कि मैं एहसास कमतरी हो रही हूँ उसकी वजह से. इस वजह से क्यों आप मुझे कहती हो कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, आप ऐसी नहीं हो, आप ऐसा क्यों नहीं करती हो? मतलब सो मैनी थिंग्स टिपिकल है बहुत ज़्यादा. तो आप बहुत रिश्तों को सुलझाने की सबसे बड़ी कुंजी है कम्युनिकेशन. बात करती हैं कभी आप? कम्युनिकेशन कभी बनाए नहीं ना, मतलब नहीं, जब कभी अगर कभी अगर ये आपके पास आके ये बोलती कि आपने क्या सड़ा हुआ जोड़ा पहना हुआ, या कुछ ऐसे जुमले आप पे बोलती जिनसे आप हर्ट होती हैं, आपने कभी बोला कि तुम ये कैसे बोल रही हो? जो तुम्हारा भाई कमा के लाएगा, मैं तो वही जाहिर है. एग्जैक्टली, मैंने सेम यही मतलब मेरे वर्ड्स होते हैं कि आप इस तरीके से सामने वाले को जलील एक तरह से करना होता है कि भाई आपने फैसल बाजार का सूट पहना हुआ, आपने इतवार बाजार का नाम क्यों ले रही है बहन? मतलब कोई भी बाजार होता है कि आपने इस बाजार का सूट पहना हुआ है, उसका पहना हुआ है, तो मतलब ये है कि आप सामने वाले को क्यों इतना वो कर रही हो?
जबकि आप ये बात जानते हो कि आपका भाई क्या कमाता है क्या नहीं कमाता है, आपके घर के कैसे मतलब एक्सपेंसेस हैं जो मैं रोजाना चला रही होती हूँ, तो वो मुझे पता है। आप अपने घर चले गई हो, आपको अपने घर का मालूम है। अब आपके अगर बड़े घर में शादी हो गई है, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। अब वो ये कहती है कि जो है मैंने मतलब घर का बिल्कुल माहौल खराब कर दिया। अगर हम इस लाइक इसको कंक्लूड करें तो आपका प्रॉब्लम नन से ये है कि वो आपको कॉम्प्लेक्स का शिकार कर रही है अपनी जुबान से, अपने रवैयों से। जी, और कोई प्रॉब्लम आपको पेश आ? ऐसा कुछ नहीं है, ये इतनी ज्यादा गलत और शिकायत मुझसे इनको है, मुझे तो मालूम भी नहीं था। बट बात सारी ये है कि जब लड़कियां अपने मैके जाती हैं तो अपनी अम्मी से, अपने घर वालों से अपनी खुशियां, अपनी हर चीज घर वालों से डिस्कस करती हैं। हाँ। कि मैं यहाँ गई, मैंने यहाँ खाना खाया, मैंने ये शॉपिंग की। अब वो सारी बातों को लेके कि वो उस कॉम्प्लेक्स में आ गई हैं। आपका कहने का मकसद ये है कि जो आपकी अपनी एक्साइटमेंट होती है, जैसे हम अपनी अम्मी के घर जाते हैं तो हम अपनी बहनों को बताते हैं मेरी नौकरी में प्रमोशन हो गई, मेरे मियां जो है वहाँ ट्रांसफर हो गया, वो ऐसे ओहदे पे पहुंच गया। तो जब हम अपने घर वालों को हमेशा बता रहे होते तो हमारी बहनें या हमारी अम्मी हमेशा खुशी महसूस करती हैं, कभी ये नहीं सोचती कि मैं क्यों कम हूँ। या आपका कहने का मकसद ये है, लेकिन एक बात तरीका होता है ना, हाँ, आपने जो कहा कि आप अपनी खुशी डिस्कस करना चाहती हैं जब आप अपनी अम्मी के घर जाती हैं, आपको अंदाजा है कि आपके भाई में भी इतना नहीं अर्न करते जितना आपके हस्बैंड करते हैं, तो इसका आपको नहीं ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो भाभी आपके कपड़े पहन रही हैं वो वही पहन रही है जो आपका भाई उनको खरीद के दे रहा है। ये खुद तो नहीं कमा कर लेकर आ रही ना अपने पास, तो आपको इसका नहीं ख्याल रखना चाहिए। लाइफ स्टाइल जो दिया हुआ है वो इनके भाई ने दिया। मैं इनको हमेशा कहती हूँ कि जिस मार्केट से भी शॉपिंग करो, हम भी जाते हैं नॉर्मल मार्केट से भी शॉपिंग कर लेते हैं, कभी ब्रांड्स भी पहनते हैं, बट स्टाइलिश हो, क्रोम हो, अपने हेयर कट लो। एक बात बताएं, मेरी एक बात बताएं, उनके कपड़ों से आपको क्या प्रॉब्लम? एग्जैक्टली, वो तो उनका दिल है ना, जो बंदे को पसंद आएगा वो पहनेगा, वो जो आपको ट्रेंड पसंद है शायद वो उनको नहीं पसंद, वो तो अपने हिसाब से पहनेगी ना। तो आई थिंक पर्सनल स्टाइल होता है, जो कपड़े होते हैं ना वो बंदा अपने दिल से पहनता है। दूसरा, अगर वो आपसे पूछे कि आज भाभी आपसे पूछ रही है यार मुझे आइडिया दो मुझे कपड़े बनाने, अगर वो आपसे पूछ रही है कि मुझे मशवरा दो, तब तो हमारा बताना बनता है। मगर ये भी एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है कि दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट ना करें। जी, हमेशा इनको मैं एज अ सिस्टर यही कहती हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो, उसी में थोड़ा सा ग्रूम करो, स्टैंडर्ड में। अब ये वाली चीज बोलने का ना मुझे स्टैंडर्ड का नहीं लगता। मुझे खुद बताएं, अपने दिल पे हाथ रखे मुझे बताएं, Do you have the right के आप किसी की जिंदगी का स्टैंडर्ड फिक्स करें? नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप अफोर्ड कर सकते हो। हाँ। आप अच्छा पहन रहे हो, अच्छा खा रहे हो, आपको क्या पता कि अगर आप वो आके अपनी भाभी से डिस्कस करोगी उसका दिल तो खराब होगा। और जिसके पास पैसा है वो कोई उसके पास कोई ये राइट, जिसके पास पैसा है उसके पास राइट नहीं होता कि वो दूसरों को डिग्रेड करे कि तुम स्टाइलिश नहीं हो, तुम ग्रूम्ड नहीं हो, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन ये चीजें आके बोलोगी मुझे भी तकलीफ होगी। लेकिन ये चीजें बोलने का ना, जैसे आपको कोई चीज है वो अच्छी नहीं लग रही घर में, आपको लग रहा है मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं, तो इसको बदलने का ये है कि आप उनको गिफ्ट कर दीजिए। Exactly. वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। आहिस्ता आहिस्ता आपको पसंद है कि अच्छा घर में इस तरह से हो, आप अम्मी को वो चीज गिफ्ट कर दें, बिकॉज आप तो माशाल्लाह से मतलब ग्रूम करने का तरीका उन्होंने ये बताया, बजाय ऐसे अल्फाज या ऐसे जुमले जो खंजर की तरह उनके दिल पे लगते हैं, अगर आप तोहफे की शक्ल में, अगर आप चाहती हैं कि मेरी भाभी भी स्टाइलिश हो, ये हो ना, दिल में हर कोई चाह रहा होता है, तो उसको उसका तरीका ये है कि जिस तरह आप पहनती हैं कपड़े वो आप इनको कभी कभार गिफ्ट कर दें, वो मेकअप जो आप यूज़ करती हैं वो गिफ्ट कर दें, तो ये जो रिश्ता जो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है ये पॉजिटिविटी की तरफ। मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी निदा, आप अपने आप को, अपने टेस्ट को, अपने लाइफस्टाइल को किसी और के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। बहनों के साथ भी तो करते नहीं हैं, कर सकते। यही बोल सकते हैं, बहनों के साथ भी करते हैं। अभी मुझे मेरी बहन बोल देती है यार तुमने क्या जोड़ा पहन के खड़ी हो गई, तो मैं माइंड कर जाऊंगी एक सेकंड। लेकिन अगर दूसरा आपसे आपकी ओपिनियन मांगे तो आप देना, मैंने नहीं मांगी। एक सेकंड, हो सकता है कि उनको अपनी नंद का सेंस ऑफ ड्रेसिंग ना पसंद आता हो, उनको अपने तरीके के कपड़े पसंद आते हैं, तो आप कैसे, आप आजकल 5 साल के बच्चे पर भी अपना इम्पोज नहीं कर सकते सेंस ऑफ ड्रेसिंग। उस 5 साल के बच्चे का भी आज ना अपना सेंस ऑफ ड्रेसिंग है कि मैंने जो कपड़े दिमाग, आप किसी इतने बड़े मैच्योर ग्रोन अप को कैसे कह सकते हैं? इस बात से मैं इसलिए मुत्तफिक नहीं हूँ क्योंकि
फॉर एग्जाम्पल अगर सब अपने बारे में सोचते हैं ना, जब मैंने मॉर्निंग शो शुरू किया था, मैं जिस तरह के कपड़े पहनती थी अब मुख्तलिफ पहनती हूँ, तो वो मुझे अपने पुराने कपड़े, मैं कहती है ये मैंने क्या कर लिया, मैंने इतना मेकअप कर लिया, वो तो मैं भी अपनी 10 साल पुरानी पिक्चर्स देखूंगी तो मैं यही सोचूंगी मैंने क्या पहना था, बिकॉज विद टाइम यू मूव ऑन, यस वो डिफरेंट, यू इवॉल्व, मगर देखो लेकिन मुझे बताने वाली बहुत तुम लोगों की तरह कोई दोस्त थी, कोई गेस्ट थी कि निदा अगर तुम इसको ऐसे कर लोगी ना तो ये ज्यादा बेहतर, उनका तरीका बताने का इतना प्यारा था कि मैं हर्ट नहीं हुई, मैंने वो चीजें पिक कर ली। लेकिन अर्लियर बोला था ना मैंने आपकी बात, वो दिमाग में रही मेरे कि जब इस तरह के रिश्ते होते हैं ना वो बड़े नाजुक होते हैं, बहन के साथ आपने जितनी भी आपकी उम्र है पूरा टाइम गुजारा बहन के साथ, बहन को तो आपने लाते भी मारी होंगी नींद में, सही बात है, सही है, बहन के साथ बिल्कुल भी, हम लोग 6 बहनें तो हमें अंदाजा है, हम कुत्तों की तरह लड़ते हैं, यू कैन नॉट इमेजिन। अब वो मैं अपने लॉस के साथ जाके जिस तरह मैं अपनी अम्मी से लड़ती हूँ, अगर मैं अपनी सास से वैसे लड़ूंगी वो तो डंडा मारेंगी मुझे। एक और चीज, ये थोड़ी सी बर्निंग बात है, लेकिन सास सास होती है, माँ माँ होती है, ठीक है, यू रिस्पेक्ट हर, यू लव हर, मैं अपनी सास से बहुत प्यार करती हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है, मदर इन लॉ मेरी बहन है, उसको मैं मुक्का मार के भी कोई काम करा सकती हूँ, क्योंकि बहुत बारीक लाइन है, बहुत बारीक रिश्ता है, वो यूं और यूं बात बुरी लग सकती है, बिल्कुल सही बात, आपको बहुत तोल मोल के सोच समझ के भाभी को बोलना पड़ता है और भाभी को भी बहुत तोल मोल के नंद को बोलना पड़ता है, आप अपने पर्सनल जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीखते हैं कि ये आपने, आप अपनी बहन को कह देती हो तुम मोटी हो गई हो, बहन नहीं माइंड करती, लेकिन अगर आप अपनी नंद को बोल दो तो वो उसके दिल पे बॉडी शेमिंग में आ जाए। लेकिन ऑनेस्टली मैं तो अपनी बहन से भी इस तरह से एक लिहाज, हर ठीक है आपका, बहुत बदतमीज बहन है भाई, मैं तो अपनी बहन को बोल देती हूं क्या आप आपका जो भी रिश्ता हो और आप किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते, आई बिलीव, स्पेशली कपड़ों पे, किसी भी चीज पे, सेंस ऑफ स्टाइल पे, या वो बाल कैसे कटाए हैं, कभी भी स्टाइल स्टैंडर्ड का नहीं लगता, तो थोड़ा सा तो ग्रो होना चाहिए। देखिए आपने बड़ी बुरी बात, स्टैंडर्ड क्या है, थोड़ा ही कोई हर्टफुल बोला है आपने, हर्टफुल नहीं है एक्चुअली, बात है कि भाई भी थोड़े से चाहते हैं ना कि उनके वाइफ थोड़ा सा, तो ये भाई और उनका मामला है, डिस्कस करते हैं कि इनको थोड़ा चेंज करो, आप भाई को बताइए कि मेरे मियां मुझे इतना बजट देते हैं, आप भी भाभी को दीजिए उतना बजट, भाभी का रिश्ता लेने गए थे तब सारी चीजें डिस्कस हुई थी, उनकी सैलरी भी बताई गई थी, तो इनको अगर नहीं, वो तो बेचारी नहीं, नहीं तो वो तो शिकायत कर ही नहीं रही सैलरी की, इनको है, वो तो ये शिकायत कर रही है कि मुझे, अच्छा तो फिर आपने क्या पसंद करके शादी करवा दी, हाँ जब आपको सेंस पसंद आया तो क्या पसंद आया था, ये तो भाई को से पूछेगी, फायदा पड़ गया था, तो जब भाई को ये पसंद आई थी तो भाई को ये चीजें इंड्यूस करने की जरूरत नहीं है कि आपकी बीवी को स्टाइल सेंस नहीं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, अगर भाई को पता है, मैं आपकी बात डिस्कस करती हूं, मुझे लग रहा है आप अज्यूम कर रही हो, आपकी आधी बात है ना, सना पता है क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है कि बहनों को पता नहीं चलता, वो ऐसे ही बातों बातों में, भाई अब बस आप अपनी बीवी को बस अच्छे कपड़े पहनना सिखा दो, आप लगाई बुझाई नहीं कर रही होती, आप जनरल बात कर रही होती है और आपको नहीं पता होता कि उस जनरल बात में भाई ने वो बात पकड़ ली है, और उसके बाद भाई ऐसे नहीं जाके अपनी बेगम को कहता चलो मैं तुम्हें कपड़े दिलाने चलता हूँ, आप मेरी पसंद के कपड़े लो, वो ये कहते हैं तुम क्या जाहिलाना कपड़े पहनती हो, उसकी लैंग्वेज ये हो जाती है फिर। विद ऑल माय अपोलॉजीज, मुझे आप लोगों का जो इशू है ना वो आपकी तरफ से फेल लग रहा है, बिकॉज ये बहुत ही हर्टफुल और बहुत ही पेटी पेटी डिमीनिंग बात है, और अगर आपके भाई आपसे आके ये बात करें बजाय उनसे करने के, तो आपको भाई को भी सही करना चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और इसकी एक दो टिप्स देंगे, अगर आप चाहती हैं कि अच्छा जी आपकी भाभी भी स्टाइलिश हो, वो आप दिल से चाहती है ना, तो कभी अगर भाभी ने ऐसे कपड़े पहने हो जो आपको लग रहा हो जो वो पहनती है उससे और प्यारे हैं, तो आप उनकी बहुत तारीफ करेंगी, ओ आपने कढ़ाई वाले नहीं पहने आज, प्लेन सॉलिड कलर आप पे कितना प्यारा लग रहा है, मैं देख रही हूँ अभी कि आपने एक सॉलिड कलर पहना हुआ है और उन्होंने थोड़े प्रिंटेड कढ़ाई वाले कपड़े पहने हुए, सारी सबकी अपनी चॉइस है, विच इज फाइन। अगर मैं अपनी निगाह से देखूँ ना, मुझे वो आपसे कम खूबसूरत नहीं लग रही है, अगर मार्केट में इतना कपड़ा मिल रहा है तो वो सबकी पसंद होगी ना, एग्जैक्टली, दुकान वाले पागल तो नहीं, बिजनेस है उनका, तो एक सर्टन एक वो होता है ना कि एक खाना आप पूरी जिंदगी नहीं खा सकते, खाने में भी डिशेज होती है ना, इस इनकी जो बात है वहाँ से हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन हम ये बस बोलते चले
कि जब आप वो कहते हैं ना पहले तोलो फिर बोलो. Exactly. जब आपका रिश्ता नंद भावच का सास बहू का इस तरह के रिश्ते होते हैं तो जो तराजू है ना उसका ज़्यादा काम होता है, तोलना ज़्यादा पड़ता है. इसी को मैच्योरिटी और समझदारी कहते हैं. और अगर रिश्तों में मैच्योरिटी समझदारी और केयर होगी तो फिर जबान खंजर की तरह नहीं चुभेगी. छोटे से ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. जी आज भावज नंद एक बहुत नाजुक रिश्ता, उसकी कहानियाँ आपसे शेयर करें. कहानी आपने सुनी और उसका रिजल्ट या एक सॉल्यूशन जो हम सब ने डिस्कस किया वो ये था कि वो कहते हैं ना जबान की जबान की मार तलवार की धार से भी ज़्यादा गहरी होती है. तो ज़रा तोल मोल के बोलें दोनों, भाभी और नंद दोनों अगर एक दूसरे से बात करें ये वो प्लीज़ ना इसको कहें, ये बहुत नॉन प्रैक्टिकल बात है. हाय तुम भी मेरी बहन हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. आप अपनी बहन, एंड इट्स नॉट ट्रू. हाँ, एंड इट्स नॉट ट्रू. सो वो जो प्रैक्टिकल बात ये है कि नंद नंद है, भावज भावज है, बहन बहन है. और हर रिश्ते की इज्जत है, यू नीड टू रिस्पेक्ट द रिलेशनशिप. क्या कभी मैंने मेरी जो बहन है उसने मेरे बाल नोचे हैं, मैंने अपने नाखूनों से उसको मारा है, क्या नंद और भावज ये कर सकते हैं? अरे मेरी बहन ने मुझे परकटा चूहा बना दिया था. इतने बुरे बात. ये शरीफ बहन है, इसने कुछ भी नहीं किया. मैं सबसे छोटी बहन हूँ, मेरी हिम्मत नहीं थी कभी कुछ करने की. ऐसा ये जब ये इससे पहले बोल रही थी ना कि नहीं हम ऐसे नहीं बोल सकते, मुझे ऐसा आ रहा था, इंट्यूशन हो रहा था कि छोटी है सबसे. मैं सबसे बड़ी हूँ, मैंने तो लाते गुस्से भी मारे. में I'm the youngest and the guinea pig of the family. सारे एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर हुए हैं. इतने लंबे बाल, इतने काट दिए मेरी बहन ने रात को. लेकिन लेकिन अगर भाभी का रुतबा बड़ा है नंद से, एज की बात नहीं कर रही, रुतबा ऐसे कि बड़े भाई की बीवी है, तो उसको वो बड़ापन दिखाना पड़ता है रिश्ते में. उसको फिर वो छोटी बहन की तरह उसको ट्रीट करना पड़ता है, चाहे वो उस उम्र में बड़ी ही क्यों ना हो. लेकिन अगर उसका रिश्ता ढूंढना है तो रिश्ता भी ढूंढना है जी. अगर उसकी कोई भलाई या उसकी शॉपिंग या उसकी कोई ऐसी चीज करनी है तो वो करनी है एज बहन, जैसे हम छोटी बहन. लेकिन वो जो करना चाह रही है अगर आप यही काम मोहब्बत से करें ना तो वो दिल खोल के आपकी बात भी सुनेगी. हाँ. और भले किसी भी मार्केट से शॉपिंग करे वो आपकी पसंद की चीजें पे पहन ले. और वो जो बात इज जस्ट द वे ये होगा नेक्स्ट टाइम आप इनको अपने साथ शॉपिंग पे ले जाइए. हाँ. और अपने पैसे खर्च कीजिए, लेकिन फोर्स ना करें ना. फोर्स करके उसको पसंद कुछ और आ रहा है, जेब भी ढीली करें ना. तो मैं शुरू से मैं ये कह रही हूँ कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, जो जिसका सेंस ऑफ ड्रेस. और दूसरी बात है कि मेरा तो मानना है कि टाइम, किसी को बदलना है ना उसमें टाइम लगता है, वो अपने जिंदगी में वैसी हैं. अगर आपको उनको बदलना है प्यार मोहब्बत तमीज से टाइम दीजिए. साल कितने हुए हैं इन आपके? यार बात सुनो, फिर बात सुनो. नहीं जो मियाँ जो है, बहुत सारे हस्बैंड्स भी ऐसे होते हैं जिनका स्टाइल सेंस अच्छा नहीं होता, तो बेगमा तो नहीं बेचारी उनको बदलने बैठ रही होती, तो हस्बैंड को क्या तकलीफ होती है? और ना ही वो बेगमा अगर मैं बहुत ही, अगर किसी को ये बहुत ही रूड लगे जो मैं बोलने जा रही हूँ तो आई एम सॉरी, लेकिन साली लेकिन कोई साली आके अपने बहनोई से नहीं कहती है कि आप ये कपड़े बदल लीजिए. हाँ. कितने बुरे लग रहे हैं आपके ऊपर. तो नंद को भी ख्याल करना चाहिए, साली आके नहीं बोलेगी बहनोई. कहने का तरीका है, आप भी नाइस. साली भी कह सकती है बहनोई से, कहने का तरीका होता है प्यार. नहीं ये पहन के देखे दुल्हा भाई, ये कोट पहन के देखे आपका पेट छुपा देगा. हाँ, ये टोपी लगा लेना, कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, कोई ऐसी टेंशन कॉम्प्लेक्स में डालने की जरूरत नहीं कि गंजे हैं आप, तो टोपी पहन लें आप. तो कहने का तरीका होता है, तरीका मैटर्स अ लॉट. जी आइए आप चलते हैं दूसरी नंद भावच की तरफ, किरण एंड हिना. किरण एंड हिना की कहानी में क्या प्रॉब्लम है एज भाभी और एज नंद? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. हाँ, आप नंद है? जी मैं नंद हूँ, ये मेरी भाभी हैं. हाँ. मुझे इनसे ये शिकायतें हैं कि मैं अनमैरिड हूँ और मैं स्टडी करती हूँ. हम भाभी को लेकर आए कि वो घर संभाले, हम सबको खुश रखे, हमारी जिम्मेदारी उठाए, पर उल्टा इनकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर आ गई. भाई मैं इनके बच्चे देखूँ, घर देखूँ, अपनी स्टडी देखूँ, क्या क्या देखूँ मैं अकेली? आपसे कोई काम नहीं होता, बस भाई के कान भरती रहती हैं, बीमार होके कमरे में जाके सो जाएंगी और भाई के आने का टाइम होगा तो आ जाएंगी. सारा काम मैंने किया है, कुछ काम बोल दो तो मैं दो रोटी बनाई और कमर में चुक आ गई. जाओ तीसरी रोटी बनाओ.
मुझे लग रहा है कोई ड्रामा देख रही है, कोई ड्रामा नहीं चल रहा था टीवी पे। नहीं, आप इसी तरह करती हैं। किरण रोटी बना लो, किरण सालन बना लो, किरण भाई आया चाय गरम कर दो, मैं अभी क्या क्या करूं। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी आपका ये रोज का हो गया है। आपके बड़े भाई की ऑफकोर्स भी जी, मेरे बड़े भाई की। आपका स्टाइल क्या है इनसे बात करने का? आप इतनी छोटी हो उनसे यार। कोई मैं बिल्कुल इतनी छोटी हूँ, पर इन्होंने मेरा 3 साल में बहुत जीना हराम कर दिया। आप मुझे ये बता सकती हैं भाभी, जब आप शादी होके आई थी तो ये कितनी छोटी थी उस वक्त? ये बहुत छोटी होंगी ना, बहुत छोटी। 3 साल पहले लाइफस्टाइल भी इतना खराब था। कितने साल पहले शादी हुई? एक सेकंड, क्या लाइफस्टाइल क्या खराब था? इनका खराब था ना, पहनने ओढ़ने का सेंस था। इनके भाई को भी यार वो इशू देखे ऊपर क्यों पर सब मैंने नहीं, मुझे पहनने ओढ़ने का सेंस ही नहीं था। इनकी उतरन ही पहनाई है इन्होंने मुझे हमेशा। ब्रांडेड कपड़े खुद पहनती है, मुझे अपने पहने हुए कपड़े कहती है फिटिंग करके पहन लो। इनके नखरे इतने हैं कि ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, मार्केट जाती है तो शोर करती है कि आपने तो इतना अच्छा ब्रांडेड भाई जाहिर है, भाई है मेरे भाई तो है। कपड़ों से तो ऑटो हो तो एक ही क्या हो गया? आपके यहाँ बेसिकली इशू है काम का, घर के काम जी, नहीं कोई रिश्ता भी आए तो ये हमारी भाभी साहिबा हमारा रिश्ता नहीं होने देती। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है भाई? मेरी उम्र की लड़कियों के रिश्ते नहीं होंगे तो क्या बुढ़ापे में लड़कियों के रिश्ते होंगे? द वे यू आर टॉकिंग, आपकी इस वक्त थोड़ा सा आई थिंक यू नो आपको भी ग्रूमिंग की जरूरत है, आपकी जबान को ग्रूमिंग की जरूरत है। द वे यू आर टॉकिंग इज नॉट नाइस, आप चीखे मार रही हो। अब वो आपसे बड़ी नहीं, भाभी तो होती है बुरी है। नहीं ये तो ये कोई भी, या इनके मायके वाले आएंगे ये करो वो करो, किरण खाना बनाओ, किरण सब करे। आपके बात के स्टाइल से लग नहीं रहा कि आपको कोई इतना बॉस नहीं कर सकता है। आप इस तरह से सुनने वाली लग नहीं रही। यहाँ पे आप टेलीविजन पे इतना बोल रही हो तो आई कांट इमेजिन कि घर पे वो जो आपसे कहती होंगी आप कर लेती होगी। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमारी भाभी यहाँ पे शरीफ बन रही है, पर वो जो घर में होती है वो सिर्फ मैं देखती हूँ। ओह माय गॉड। अच्छा तो आप घर में कोई और होता है भाभी के अलावा? हाँ बिल्कुल, हमारी अम्मी होती है। तो अम्मी क्या कह रही है? अम्मी का क्या कहना है इस बारे? अम्मी को भड़काती रहती है ये, बस कान भरती रहती है, कान भरती रहती है कि भाभी फोन पे बातें कर रही है अम्मी से शिकायत। अच्छा क्या काम करती हो आप? करती क्या हो घर पे, क्या क्या काम करती हो? खाना बनाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, झाड़ू पोछे करती हूँ, इनके बच्चे संभालती हूँ। काम वाली थी, कह रही है काम वाली चोरियाँ करती, काम वाली को भगा दिया। तो शायद चोरी करती हो तो जाहिर सी बात है, दूसरी कोई काम वाली रख ले, एक को भगा दिया, नन को नौकरानी बना दिया। इतने खर्चे हैं तो जरा सी हेल्प करा देंगी तो क्या हो जाएगा? इतना शोर करती है, जरा सा काम कर लेंगी। अच्छा एक सेकंड, आप क्या क्या करती हैं घर में काम? मैं काम करती हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ, बच्चों को संभालना, खाना बनाती हूँ, सर्व करती हूँ, नंद के कपड़े धोती हूँ, बहन अपने शोहर के धोती हूँ, सास के धोती हूँ कपड़े। सही है ना? इतने काम आप बनाती हैं, वो तो कह रही है खाना वो बनाती है, मेरे साथ हेल्प कराती है। इतना शोर में कितने लोग हैं? 4। काम नहीं हो रहा अभी से हमारे घर के हाल क्या हुआ है? मेरे जाने के बाद कौन करेगा काम? बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं और 4 अडल्ट हैं। जी अच्छा, कितने बड़े बच्चे हैं आपके? तो एक 2 इयर्स का है और छोटा है। जी छोटे बच्चों का काम होता है ना, बहुत काम होता है तो वो भी मुझे संभालने होते हैं। भाभी शॉपिंग पे जाती हैं, बच्चे मेरे पास छोड़ के जाती हैं। हर रोज शॉपिंग करती हैं? नहीं हर रोज नहीं, हफ्ते में महीने में जाती हैं तो बच्चे मेरे पास छोड़ के जाती हैं। इसमें क्या बुरा है कि बच्चे आपके पास होते हैं? आपके भाई के बच्चे हैं वो? बिल्कुल मेरे भाई के बच्चे हैं, बच्चे भी संभालूं मैं, घर भी संभालूं, अम्मी को भी देखूं, काम भी करूं, क्या क्या करूं, मेरी स्टडी भी तो है, उसे भी तो देखना होता है। देखिए यही तो आपकी प्रैक्टिस, देखिए पहली बात तो ये कि ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लड़कियां जो हैं वो जॉब भी करती हैं, ठीक है, वो घर भी संभालती हैं, वो अम्मी अब्बू को भी देखती हैं, वो ससुराल को भी देखती हैं। अच्छा आपकी मदर इन लॉ आपकी हेल्प नहीं करती किसी भी चीज़? जी वो करती है लेकिन ये भड़का देती है, उनके कान भर देती है, असर हट जाती है। एक थोड़ी सी बात आपको कहूँगी, जो मैका होता है ना जी, वहाँ अक्सर बच्चियाँ जो है ना थोड़ा सा इंजॉय करती हैं, उनका गोल्डन पीरियड होता है। बच्चियाँ पढ़ाई में लगी होती है ना तो उनको होता है कि हम आके सो जाएं। अब आप अपनी अपने बच्चों को भी, जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो जो बच्ची है, यानी जब मैं भी थी लाइक इसकी एज की होंगी और मेरी शादी नहीं हुई हुई तो हम यही करते थे, जो आए कॉलेज से यूनिवर्सिटी से और सो गए। हाँ वो एक सर्टेन एज होती है, इतनी नींद आती है, रात को 9 बजे भी सो जाएंगे, काम करने में भी सुस्ती होती है। कुछ बच्चियाँ बहुत अच्छी नेचर वाइज होती हैं, वो खुद ही संभाल लेती हैं, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली, तो वो यंग एज में थोड़ी सी चीज़ें वैरी करती हैं। जब आप एज भाभी हैं, आपकी थोड़ी मैच्योरिटी है,
तो उसको मैच्योरिटी से लेके चलना पड़ता है. आपको अपने जो टाइम टेबल है वो हिसाब किताब उसी हिसाब से बनाना पड़ता है. तो बेसिकली जिम्मेदारी एक्चुअली आपकी भी नहीं है कि आप घर के काम सारी अकेली कर रही हैं, और जिम्मेदारी अकेली उनकी भी नहीं है. ये काम प्यार मोहब्बत से मिल बांट के होता है. लेकिन ये गलत बात है कि घर में कोई काम वाला नहीं आ रहा है, उसको निकाल दिया है. यार देखो, हर किसी के पास ना इतनी इनकम नहीं होती. महंगाई देखो, जब आप शॉपिंग कर सकते हैं तो आप ये बेसिक नीड्स को भी अफोर्ड कर सकते हैं. सोचते हैं ना कि काम वाली का खर्चा खत्म कर देते तो हम कुछ खरीद लेंगे. शॉपिंग, लेकिन देखो शॉपिंग क्या गिफ्ट्स हो रही है ना, घर में रिश्ते खराब हो रहे हैं. आप अपनी शॉपिंग का बजट कम कर रहे हैं. शॉपिंग बच्चों के डायपर्स भी हो सकते हैं. डिजाइनर सूट की बात कर रही है ना, वो डिजाइनर सूट. लेकिन आप तो डिजाइनर सूट नहीं, जिस घर में मेड नहीं है. आप नंद का भी तो ख्याल करें ना, आप नंद को भी लेके जाए. आपके घर में कमाने वाले कितने हैं? एक भाई है. तो ये क्यों नहीं करते आप लोग के जैसे खाने का डिपार्टमेंट किचन आपने ले लिया, सफाई आपने ले ली, ये क्यों नहीं करते? ये भी आपस में बांट लेते हैं, पर भाभी ये सोती रहती हैं. एक और आइडिया दे सकती हूँ आपको. आपको अगर लगता है घर के काम आपके लिए मुश्किल है, आप ट्यूशन पढ़ा के वो जो सैलरी आपको मिले उससे आप हेल्पिंग हैंड रख सकती हैं. पर मुझे घर से टाइम तो मिले, घर में घर के कामों से फुर्सत मिलेगी तो ट्यूशन पढ़ाऊंगी ना. मेरी जान को कह रही है, कितने काम है, सब्जी वगैरह बना रही हूँ, बच्चों को अगर संभाल लेंगी तो क्या प्रॉब्लम है? सोती है, कितने काम होते हैं, चाय बना ले, कितने काम नहीं होते. क्या आप भी बच्चे, आप सास को क्यों नहीं दे देती? सास नहीं संभालती, बुजुर्ग है ना थोड़ी, लेकिन ये भड़का देती है फिर भी. अम्मी आपके सर में दर्द हो रहा है, आराम कर ले. एक एक घंटों अम्मी से फोन पे लग के हमारी बुराइयां कर रही होती है. कान लगा के सुन रही होती है? कान लगा के नहीं सुन रही होती. आप एक घर में रहती हैं, आप एक घर में रहती हैं तो आवाज तो आ ही जाती है. जाहिर है घर इतना बड़ा तो है नहीं. बहन देखें तो वो, उनको भी कितना टाइम हुआ, वो अपने घर में बच्ची ही रही होंगी ना. बिल्कुल नहीं, वो भी तो अपने घर में काम करती थी ना. दो दो बच्चे घर का काम. यहाँ प्रॉब्लम्स दोनों तरफ है, कोई एक तरफ नहीं हमें नजर आ रही है. यही कह रही हूँ, एक तरफ देख रहे हैं. यही कह रही हूँ कि दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग भी, जो मुझे समझ में आ रही है बात, कि दोनों को ना कोहेसिवली काम करना पड़ेगा, वरना एक साथ काम करना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं चलेगा. और ऐसा और काम करें, आप काम बांट लें. एक दिन में ना एक हांडी बनाए और वो पूरे दिन चलाए. हाँ, दिन में भी एक खाना, रात को नहीं खाया जाता. बासी खाना इनसे नहीं खाया जाता. और हमारी भाभी का होटल का खाना खत्म नहीं होता. टिक्का खाना है, बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, दाल सब्जी तो खाई नहीं जाती है. ये सुलझ नहीं सकता, क्योंकि दोनों सुलझाने के मूड में चाहते नहीं है. दोनों कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में. एक बात है, जहाँ विल होती है ना वहाँ हर रास्ता निकला. But there's no will here. जब विल ही नहीं है तो यही होगा. मुझे, मैं बताऊँ, भाभी सोचती होंगी इसका हल ये है कि इसकी जल्दी से शादी करो. नहीं, वो मेरी शादी भी नहीं करवानी है. तो निकल कोई भी रिश्ता आता है, लड़का खराब है या खानदान खराब है, अभी शादी भाई को चढ़ा देते हैं और उनके फरमाइशें शुरू. भाई मुझे ये देना, मुझे वो देना. अभी उनकी फरमाइशें करेंगे अभी तो भाई से ही करेंगे ना. शादी के बाद बहन भाई का रिश्ता और भाई की जिम्मेदारियां खत्म तो नहीं हो जाएंगी. लेकिन ये काम आपका नहीं है, ये भाई का डिपार्टमेंट है. हाँ, भाई को खुद देखने दीजिए कि भाई क्या. अगर भाई अपनी बहन के ऊपर कोई खर्चा कर रहा है तो भाभी कोई नहीं होती उसे टोकने और रोकने वाली. वाइस वर्सा, अगर भाई अपनी बीवी पे खर्चा कर रहा है तो कोई और, किसी और को राइट नहीं है कि वो उसको रोके टोके. लेकिन शादी इसलिए नहीं करना प्लीज, क्योंकि तुम इस घर से एस्केप करना चाहती हो. क्योंकि शादी के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि लाइफ बहुत इजी होगी. तो इस घर से बच के भागने के लिए शादी इज नॉट अ सॉल्यूशन. जी बिल्कुल, हमारी भाभी जैसी नंद मिलेंगी तो शादी के बाद भी हमारा जीना हराम नहीं है. ऐसे नहीं बोलते, यू नो. कैसी बातें कर रहे हो, मुझे टेंशन हो रही है. सुकून करो, सुकून करो. तुम थोड़ी सी मैच्योर होगी ना. मैं तुम्हें बता रही हूँ, अभी तुम्हें कभी कभार इंसान जब इमैच्योर होता है तो उसकी, उसको छोटी छोटी बातें भी ना बहुत बड़ी लग रही होती है. जब वो फिर थोड़ा मैच्योर हो जाता है जमाने की ऑब्जर्वेशन और सब चीज देख दाख के, तो फिर उसको वो छोटी बातें ना बहुत बड़ी नहीं लगती, वो इग्नोर कर देता है. तो जब आप एक साथ एक घर में रह रहे होते तो आपके पास एक सबसे बड़ा हथियार है इग्नोर करने वाला. कि अगर आप छोटी छोटी बातें दिल पे लेके बैठ जाएंगे ना, फिर आपकी जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा. अपनी जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश करें आप दोनों, उसको और उलझाएं ना. मुझे तो ऐसा लगता है घर के माहौल को अच्छा रखने के लिए अगर आपको एफर्ट करनी पड़ती है, थोड़ी देर आपको चुप, किसी ने कड़वा जुमला बोल दिया और आप चुप हो गए,
घर का माहौल तो अच्छा है, चुप में इतना सकून है, सीरियसली इतना सकून है, उस वक्त आपको दिल का होगा दोनों तरफ से होना। मैं आपको बताऊं, जब मेरी शादी हुई शुरुआत तो कोई करके देखे, माय मदर सेड द सेम थिंग, शी वाज लाइक जस्ट गिव योर हाउस 5 इयर्स, डू नॉट अटर अ सिंगल वर्ड, यू नो, इवन इफ यू डोंट लाइक एनीथिंग। मैं उर्दू में दोबारा एलैबोरेट करती हूँ, बाद मेरी वालदा ने मुझे कहा था, जब मेरी लिटरली रुखसती हो रही थी उस वक्त कहा था कि यू नो जस्ट अपने घर को 5 साल दो और खामोशी से सबकी बातें सुनो एंड देन यू सी क्या होगा। 5 साल भी ज्यादा है, 2 साल दे दो, ये 5 साल बहुत होते हैं, हाँ, 2 साल भी दे दो। लेकिन मैंने हमेशा इसका फल पाया है, यू नो, मेरी सास से मुझे कभी कोई इशू नहीं हुए, मेरी नंदों से मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने कभी जुबान दराजी नहीं की। बट ये जुबान दराजी, ऑनेस्टली हैविंग सेड दैट सना, टाइम्स हैव चेंज्ड, वो जो बात है ना कि 2 साल या 5 साल सबकी सुनो फिर you know life will settle down, अब वो सुनाने वाले दिन भी खत्म हो गए, किसी को कोई राइट नहीं किसी को सुनाने का। exactly. अगर साथ नहीं सुनता कोई किसी की सना और सुनाना चाहिए भी नहीं ना, अगर आप सास हैं doesn't mean कि आप अपनी बहू को सुनाएं, या नंद है तो doesn't mean कि आप अपनी भाभी को डोमिनेट करेंगे। अगर भाभी बड़े भाई की है, एक जमाना होता था कि मदर इन लॉ या फादर इन लॉ अपने बेटे को भी मतलब कुछ कहते थे तो वो लोग सुनते थे। अब वो जमाना नहीं है, जमाना चेंज हो गया। अब मैंने अक्सर बुजुर्गों को भी देखा है कि वो चुप्पी साध लेते, वो नहीं बोलते, वो हर बात पे चिक 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 नहीं करते, क्योंकि देखें जब आप बीमार होते हैं ना, जब आप खुद भी जवान होते हैं और बीमार होते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते, तो आपको थोड़ा सा ये उनको लैटिट्यूड, थोड़ा सा एक मार्जिन देना चाहिए बुजुर्गों को, घर के सास ससुर खास तौर पे, कि अगर वो बीमार है और चिड़चिड़े हो रहे हैं तो वो चिड़चिड़ाहट में कुछ कह सकते हैं, इग्नोर करें। और आप जो है ना, देखिए वो बहुत छोटी है अभी, उसकी शक्ल से लग रहा है वो कम उम्र है, जस्ट उसको भी थोड़ा सा एंजॉय करने का मौका दें, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी ना, आंखें मेरे दरवाजे पे लगी रहती हैं गेट पे, बस क्या खा रही है, देखिए वही बात ना, आप सुन नहीं रहे, हर चीज नोट करती है, आप सुने, जब आप भी सुने। कुछ खाने का है ना, सबसे पहले लेके अपनी सास के पास, मुझे लग रहा है इनके घर में ये जिंदगी चल रहा है। हाँ, इनको ना आप दोनों एक दूसरे की बात सुने, आप लोग बोले जा रहे हैं, आप लोग के अंदर सुनने की आदत नहीं है, यू नीड टू लिसन टू द अदर पर्सन कि वो बोल क्या रहा है। मुझे लग रहा है दोनों के ना मेंटल ब्लॉक हुआ है, कोई दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं है, आप लोग सुन नहीं रहे, नेगेटिविटी आपके रिश्ते में बहुत, ये जो कान अल्लाह ने दिए हैं ना, ये चलाएं, इसको यूज करें, जबान कम यूज करें, कान ज्यादा चलाएं। देखिए अब वो आपकी फैमिली की मेंबर है, क्योंकि अब वो आपकी फैमिली में आ गई है, और अब आप इनकी फैमिली की मेंबर है, क्योंकि अब इनकी फैमिली में, दोनों को सोचना है, अलग तो हो नहीं सकते। अब आप अपने मिजाज में इतनी नरमी लाइए कि एक दूसरे के साथ चल सके, यार मोहब्बत से आप उसे ना 50 काम कर, कोई इंसान दुनिया का 100% सही नहीं होता, किड़किड़ से तो कुछ भी नहीं होगा। और हमारे पाकिस्तान के बेसिकली अगर इनका मैं देखूं कंक्लूजन, इनको अपने दोनों को आपस में एक दूसरे के लिए कोई रूल सेट करने पड़ेंगे, कि आप आपस में काम बांटे, घर को ओन करें। भाभी आई है अगर तो इसलिए नहीं लाई गई भाभी कि आपने घर की जो है वो सारी वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी, घर के हर बंदे को संभालनी चाहिए, यही अब कभी कभार ऐसा होता है भाभी हाथ भी नहीं बटाती, भाभी बीमार होती मेरी बात सुनो, कभी कभी देखो उनके 2 बच्चे हैं, एक लॉजिकली सोचो, क्योंकि मेरे घर पे छोटा बच्चा है, तुम लॉजिकली सोचो, 2 छोटे बच्चे हैं, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी, बच्चे पागल बन जाएंगे, ऐसा मेरी एक फैमिली मेंबर है, उनका घर ऐसा है, होगी तो घर तो मेरा बच्चों के साथ संभालना ही पड़ेगा ना, मेरा मैं तुम लोगों की बात बताऊं, सी औरतें बच्चे भी, मेरे फैमिली में एक घराना ऐसा है जहाँ घर की मर्द औरत दोनों मिलकर घर के काम संभाल रहे हैं। दरवाजे पे बेल बजी तो औरत का ही काम नहीं है कि वो जाके खोले, ससुर जा वो कुछ और नहीं कर सकते, दरवाजा खोलने चले जाएंगे देखने के लिए। छोटे बच्चे हैं घर में तो जो लड़की है वो उसी की जिम्मेदारी नहीं है छोटे बच्चे संभालना, दादा दादी हैं, कभी देवर भी स्कूल छोड़ने चला जाता है, स्कूल से लेने चला जाता है। मैंने उस घराने में, मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, मैंने उस घराने में ये कामों के ऊपर चिक चिक होते हुए नहीं, मैंने उस घराने में पैसों के ऊपर चिक चिक होते हुए नहीं देखी, क्योंकि सब मिलकर कमा रहे, सब मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे, सब मिलकर घर के काम कर रहे। एक भाई की शादी हुई हुई है, उसके 2 बच्चे वो सब मिलकर संभाल रहे हैं, उनकी बर्थडेज होती है, अगर उनके पास पैसे नहीं भी होते ना, वो तब भी घर में हर चीज बना के छोटी बर्थडे रख के सेलिब्रेट करते हैं खुशी। और मैं इतनी ज्यादा इंस्पायर होती हूँ, ससुर नगेट्स तल रहे हैं, देवर फ्रेंच फ्राइज तल रहा है टेबल पे, और जो माँ है वो बच्चों की बर्थडे उनके दोस्तों को कंपनी दे रही है,
मतलब लाइक बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल अगर होता है आप सिर्फ दोनों नहीं आपके हस्बैंड इनके भाई इनके अबू आपकी सास अगर चार लोग घर में जो हैं वो सब मिलकर आपस में काम करेंगे मर्द भी और औरत भी तो ये जो झगड़े आप दोनों की के बीच में हो रहे हैं ना कि आपके ऊपर इतना प्रेशर आ गया ये सब खत्म इस झगड़े में सिर्फ आप दोनों नहीं आपके घर का हर फर्द होना चाहिए कि लाओ हम ये कर लेते हैं लाओ बच्चों को सुसर जो है कहते हैं लाओ मैं पार्क ले जाता हूँ तुम पढ़ लो तो ये तभी इस मसले का हल निकल सकता है तो बाकी आपके घर के मर्द भी ये देखें और आपकी मदर इन लॉ भी ये देखें तभी घर में सुकून हर वक्त चिक चिक नहीं अच्छी लगती जो खासतौर पर आपके हस्बैंड जो एक कमाने वाले हैं जब वो थके आ रहे ट्रैफिक की उसमें घर में आते हैं और उनको कहानियां सुनाई जाती हैं आपने आपकी बहन ने ये किया आपकी बीवी ने किया ऐसा ही होता है तो उनका दिल नहीं चाहता कि वो घर आए कहते हैं मैं दोस्तों में चला जाऊं इस तरह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू होते हैं और जहाँ पता है आपके बच्चे हैं सीरियसली यार मुझे तुम्हारे पास आके नहीं ड्रामों में दिखाते हैं मुझे तुम्हारी आगोश में आके सुकून मिलता है शब्बो मेरे घर में तो ये चल रहा है एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और अब हम चल रहे हैं दूसरी नंद और भावज की तरफ नौशीन एंड रुखसाना ये हैं हमारे साथ और मुझे लग रहा है हर साइज हर एज ग्रुप की दिल धड़क रहा है अभी है? बहुत जोर से अच्छा हाँ, अच्छा लग रहा है मुझे हाँ जी नौशीन एंड रुखसाना नौशीन आप हैं और रुखसाना आप जी क्या कहेंगे आप मतलब नंद कौन है भाभी कौन है सॉरी भाभी हूँ आप भाभी हैं और वो अच्छा I thought the other way around जब मेरी शादी हुई तो ये जो मेरी नंद साहिबा हैं मेरी सास तो थी नहीं तो नंद साहिबा थोड़े से जोर से बोलोगी जब मेरी शादी हुई तो मेरी सास जो है उनकी तो डेथ हो चुकी थी तो ये नंद ही मेरी सास जो है वो बन गई और अभी तक यही मेरी सास बनी है हर चीज़ पर अनमैरिड है और अनमैरिड होने की वजह से इनको इतना स्पेस मिल गया कि हर चीज़ पे ना इतना बोलने लगती हैं हर चीज़ में कि जिसकी कोई हद नहीं हर चीज़ में रोकना टोकना बाहर आ रहे हैं जा रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं या होटलिंग या कुछ भी कर रहे हैं मियाँ बीवी उस पे भी हर चीज़ आपके हस्बैंड का क्या नंबर है उनसे बड़ी है कि छोटी हैं ये बड़ी हैं ये सबसे बड़ी है अच्छा इनके लिए अगर हम रिश्ता कोई देखते हैं या इन्हीं की एज का क्योंकि रिश्ते हर उम्र में मिल जाते हैं लेकिन इनके नखरे बहुत हैं नखरे अगर बहुत हैं तो अब इंसान को वो रिश्ता नहीं मिल सकता है अगर आप 16 साल के हैं और आपको 24 साल का लड़का मिल जाए और आप ये कहें नहीं ऐसा नहीं हो सकता है इनको वही मिलेगा जो इनकी उम्र से अभी 2-3 साल बड़ा होगा क्योंकि ये उस एज में नहीं है लेकिन घर के हर काम में इतना इंटरफियर करती हैं इतना इंटरफियर करती हैं कि हर बच्चे हैं मेरे 3 बच्चे हैं उसके बावजूद भी जो है ना ये हर चीज़ में जो है ना टोकना हर चीज़ पे जो है परेशान करना कि नहीं ये नहीं करो ये नहीं करो जाहिर बात है भाइयों को वजह से हमने शादी नहीं की इनको आपको क्या मसला है अच्छा चलो सुनते हैं इनकी बात सुनते हैं आप भाभी को ले आए तो भाभी का ये मकसद मैं जाहिर भाई खाने जाएंगी चारों भाभियां हैं चारों को एक एक करके बोलते हैं आपने बोल लिया हमारे दिल नहीं चाहता खाए 12 बजे 1 बजे घूम के आती हम सो रहे हैं खटपट एक तो दिल जलता है ये बाहर से खा के हम घर में रोटी खा रहे हैं कौन ले जाएगा खुद तो खा पी के आ जाती है और खटपट ये बेचार पता लगता है कि अब आ गए हैं लेकिन नींद नहीं आती ये खा के आ गए नींद नहीं आती लोग खूब होटलिंग करके हमारे लिए कुछ ले आते नहीं भाई ये भाभी है ये गलत भाभी है ये बहुत प्यारी बात इन्होंने कही एक लेग पीस ले आते ऐसा नहीं कुछ ले आता वो भी खुद तो बात नहीं है हम क्या लोगों को इतना डर है इनका इतनी सुनी नींद नहीं आती नींद नहीं आती आप यकीन करें इसी में दिल लगा रहा क्या खाया होगा क्या खाया होगा मैं लेके जाऊंगी आपको इनको कभी चाहिए ना कि नंद के लिए ले जब बेचारी मैरिड नहीं है किसके साथ जाएगी ये देखो शादी नहीं हुई ये उम्र और ये देखो तैयार हो रही है और खुद देखो स्ट्रीकिंग इतने से पैसे खर्च करवाती हम तो नहीं ऐसा कर रहे हम सिर्फ मेकअप करते तो उनको जलन होती कभी बादाम रख ले ओहो बादाम खा रही है ये देखो इनकी खुराक कैसी कुछ छुप छुप के खाती यार क्या करूँ कोई बाजार निकलती उठे होता है वो बादाम पिस्ता थोड़ा सा दे दो ये अब बाहर जाती है तो भी अपना शौक पूरा करती है मुझे तो कोई देने वाला नहीं तो इनको ख्याल रखना चाहिए फिर बच्चों से बच्चे कोई चीज़ खाते हुए दिल चाहता फिर तो बच्चों के लिए रखी है आपने खा ली फिर मैंने दोबारा नहीं खाती फिर ये मना कर देती अच्छा घर में सिर्फ एक आप ही भाभी का जो भी हमारी कहानियां सुनी है ना चारों को उसमें रिस्पेक्ट की कमी है
एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट नहीं है, प्यार। देखिए उन्होंने एहसास किया कि मैंने अपने भाइयों के लिए शादी नहीं की, ठीक है, व्हाई, बिकॉज ये सबसे बड़ी थी। तो आप इसी चीज की इज्जत करो, नहीं भाई, कि आपके हस्बैंड की परवरिश उनकी पढ़ाई के लिए। शी नेवर गॉट। एक बात कहूं आपको, आपके भाई का रवैया कैसा है? भाई का ठीक, पहले ठीक था, जैसी शादी हुई बदल गए, बिल्कुल बदल गए। ये वाली देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जितना कसूर अगर आपको लगता है इनका है, भाभी का है, उतना ही कसूर आपके भाई का है। क्योंकि देखिए ज्यादा ज्यादा उसकी रीजन ये है कि भाई ने बचपन से देखा कि जब हमारे माँ बाप नहीं रहे तो हमारी बहन ने हमारी जिंदगी को बनाने के लिए शादी में भी खुश रहना चाहिए, घूमना कोई ला के दे, ये घुमा दे, कभी नहीं है शौर में। भैया तीन बार अकेली जा रही है, हाँ बहन को बुला लेंगी, बहन के साथ जाएंगी, मैं बुरी हूँ, मेरे साथ नहीं जाएंगी, कभी शॉपिंग कर लो नहीं, ऐसे छुप छुप के रखती है और बहन के साथ खर्च करती है। आप ही सिर्फ एक नंद है, अकेली नंद है, और पर्स चेक करती है, मेरा अलमारी चेक करती है। आप पर्स चेक करती हैं? That's so bad. ये क्या? नहीं, लगता है उनको, ऐसा लगता है उनको, तो पता नहीं क्या क्या लगता है, मैं उसकी वजह उनको ऐसा लगता है कि हम उनके लिए खाना नहीं लाते, ऐसा हो नहीं सकता जो किसी की परवरिश करे और हम उसके लिए कोई चीज नहीं लाते, तो नहीं, क्योंकि ये हमारी जो है ना मियाँ और मेरी, हम लोग की ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि हम जो है ना, अगर ये उनकी उनकी मदर नहीं है तो ये उनकी सेकंड मदर है, भाई ये तो भाई उनका ये ख्याल करना चाहिए, हमारे लोगों को दिलों के अंदर। आइसक्रीम लाते तो पिघल जाती, तो आप हमें ले चले साथ, ये तो सही बात है। आइसक्रीम अच्छा, तो एक बात बताइए कि जो बाकी के भाई हैं उनका क्या कहना है इस बारे में? वो उनके साथ भी इश्यूज है, रहती है उनके साथ भी, आप सब लोग साथ रहते हैं, आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो हर एक के साथ जो ना, ये हर एक के कामों में बोलना, हर एक की छोटी छोटी बातों में बोलना, हर कोई परेशान हो जाता है आजकल, लोग नहीं किसी के उसमें। अच्छा मुझे बताएं, आपकी अम्मी कभी आपको कुछ बोलती हैं, टोकती हैं? बिल्कुल, हम लोग एक जॉइंट फैमिली सिस्टम से आए हुए हैं, और हम लोग उन्होंने बोल दिया, इग्नोर करते हैं, नहीं करती बहन। मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? आप घर पे रहती हैं या कोई जॉब करती हैं? नहीं, पहले जॉब करती थी, मैंने छोड़ दी है, भाई वगैरह माशाल्लाह कमाने लगे थे, उनके पास रहती हूं। वक्त गुजारी के लिए, जब आप अकेले होते हैं तो आपको वक्त गुजारी के लिए कुछ ऐसा चाहिए होता है, क्योंकि खाली वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, शैतान का घर होता है, नहीं, जैसे खाली दिमाग शैतान का घर, तो बहुत सारे वसवसे, बहुत सारी चीजें पैदा होती हैं। उनके बच्चे हैं तीन, वो अपने बच्चों में बिजी हैं, हस्बैंड है, वो बच्चे आपके साथ, हाँ। ये बच्चे इनके साथ कैसे हैं, मतलब खेलते बच्चे सही है, ठीक है, फर्स्ट क्लास बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे। बच्चे आप, लेकिन ये जैसे ही कहते होता है टाइम बात करने का, पराने इधर चप्पल नहीं पहनी है, पराने तुमने शूज नहीं पहने, तुमने चेंज नहीं किया, उसको बहाने से बुला लेती बच्चों को, ताकि मुझे बात ना बताए क्या हुआ। नहीं तो आप उनसे बातें पूछती हैं कि क्या? पूछती नहीं, बच्चे मासूम होते हैं, बता देते हैं, बच्चे गए थे, ये खाया हमने, नहीं खाने का पूछा होगा आपने कुछ, वहाँ से खाया था, आज हम रेस्टोरेंट में गए थे, अब ये जो है ना उनको बहका देती, कहाँ चप्पल नहीं पहनी, तुमने कौन से शूज पहने, वो बच्चे। लेकिन इस बात पे मुझे एक पब्लिक सर्विस मैसेज है, ये जो आप बोलते हैं ना कि ये दादी को ना बताना, ये पुप्पो को ना बताना, या बेसिकली बच्चे को झूठ बोलना सिखा रहे, पक्का बना रहे बच्चों को, वक्त से पहले बुलाना नहीं, मतलब बुला वक्त से पहले बच्चे पक्का बन रहे हैं, उनकी मासूमियत खत्म हो रही है, अभी ना बुला लेती हैं बहाने से के बच्चे, जैसे आज वो उनसे झूठ बोलेंगे, कल वो आपको झूठ बोलेंगे। एब्सोल्युटली, वैसे ये तो कहती है, मगर ये बहाने से बुला लेती, झूठ पता नहीं बोलती ही नहीं बोलती, लेकिन बहाने से बुला लेती। लेकिन देखिए मुझे तो बहुत ही मासूमाना मसला लग रहा है आप लोगों का, सही है, कोई ऐसा ज्यादा मसला नहीं है, आपको बस ये डबल का हाल मुर्दा ही जानता है, ज्यादा मसला नहीं है। मैं दिल में जलन नहीं रखती, मेरे पास जो ये करती है मेरा भी दिल चाहता है, लेकिन कहती आप तो मेरी नहीं। देखिए अब आपको ये ख्याल करना है कि आपकी सास भी है, लेकिन सास जो है वो अनमैरिड है, क्या करेंगी पहले? लेकिन सास होती है तो आस होती है, किसी भी रिश्ते में थोड़ा सा बेहतरी पैदा करने की ब्लेम गेम खत्म करना पड़ता है, पहला पॉइंट, ठीक है। यहाँ आपकी भी कुछ गलतियाँ एज नंद, यहाँ आपकी भी कुछ गलतियाँ एज भाभी। मैं पहले भाभी से कुछ पॉइंट शुरू करती हूँ, क्योंकि फिर मैंने इनकी बात भी सुननी है। आप
एज भाभी जब आप ब्याह के आई तो आपको पता था कि एक नन ने कुर्बानी दी अपनी लाइफ की, सैक्रिफाइस किया अपने भाइयों की खातिर, अपनी लाइफ को पीछे रखते हुए भाइयों की खातिर उनके रिश्ते कराए, उनकी शादियां करें और बहुत सारी ढेर सारी जिम्मेदारियां होती जो पेरेंट्स कराते हैं वो उन्होंने करानी पड़ी। यहाँ एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट का एलिमेंट आ गया कि नाउ शी इज नॉट योर नन, शी इज योर सास। ठीक है, वो रिस्पेक्ट आपने उनको देनी है। आपको ये भी पता है कि वो अनमैरिड है, अगर वो अनमैरिड है लेकिन उनके भी जज्बात हैं, उनकी भी कुछ ख्वाहिशात हैं, उनका हस्बैंड नहीं है, तो आपको अगर आपका हस्बैंड आपके लिए जोड़ा ला रहा है तो आपको अपने हस्बैंड को खुद समझा, मर्दों को नहीं पता होती है बातें, औरतों को रख रखाव आता है, उनको कहना चाहिए एक जो भी आप इनको कहते हैं आप ही या जो भी उनके लिए भी ले आएगा, भले आज कम पैसों का लाएं, टू पीस ले आएं, थ्री पीस नहीं लाएं, लेकिन दो लाइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप कुछ खाने पीने जा रही हैं, या तो चले चार दफा जा रही है तो दो दफा इनको ले जाएं, एक दफा ले जाएं, और उसके बाद मेरी मदर इन लॉ ट्रैवल नहीं कर सकती थी, वो हमारे साथ जा नहीं सकती थी, तो हम क्या करते थे, खाना खाने जाते थे तो हम वापसी में उनके लिए ले आते थे। ये इसके लिए छोटी चीज टिक्का ले आए यार, वो इतनी खुश हो जाती थी कि इन्होंने मेरा एहसास किया। जब आप दूसरे को ये फीलिंग दे रहे हैं कि हम आपका एहसास करते हैं, इससे बड़ी मोहब्बत और कोई नहीं। मैं तो ये सोच रही हूँ चार भाई अगर हर हफ्ते एक भाई लेके जाए तो हर भाई को एक दफा ले जाना पड़े, इनकी हर हफ्ते सारी जिम्मेदारी आपकी नहीं है और भाइयों की। कपड़ा भी दूसरा मैं नहीं, मैं अब आपकी बातें सुन रही, अब हम आपको बता रहे, एक तो बोला ठीक है, एक तो हो गई ये आपकी बात, वाइस वर्सा मैं आपको कहना चाहूंगी, कुछ मशवरा देना चाहूंगी, आज बहुत सारे लोगों से मिलते तो हमारी ऑब्जर्वेशन थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो मशवरा आपको ये है कि वो भाभी हैं, वो छोटी हैं, ठीक है, इनका कसूर नहीं अगर आपने सैक्रिफाइस किया, अगर आपने अपनी जिंदगी अपने भाइयों के लिए कुर्बान की, आपने की अपने भाइयों के लिए, भाभी के लिए नहीं की, अपनी खुशी से, ठीक है ना, अपनी खुशी से, आपको इनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि मैंने इतना किया तो मुझे भी इतना करें, अल्लाह उसका आपको अजर देगा। हम इंसानों से क्या एक्सपेक्टेशन रखें, एक दूसरा उनकी प्राइवेसी की आप ख्याल करेंगी, अगर मियाँ बीवी बाहर जा रहे हैं अकेले या कुछ है तो उनकी प्राइवेसी आप उनको दें। आप आपकी शादी अगर नहीं हुई तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी शादी कराना, इंसान की नसीब होता है, शादी हो जाती है, बहुत सारे लोग शादी के बाद भी खुश नहीं रहते, शादी नहीं होती तो ये इंसान का नसीब होता है, तो उसका तो कोई जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं। फिर आप अगर ये सोचती हैं कि वो बच्चों को भरती है या वो आपके भाई को भरती है, तो आप जो वसवसे आपके दिमाग में है वो आपको ख़त्म करने पड़ेंगे। पॉजिटिविटी, ये आपके भाई के पीछे आई है ना, तो आपको इनको वो माँ बनकर दिखाएंगी तो वो आपको सास समझेंगी, अगर आप माँ ही बन के नहीं दिखाएंगी वो मोहब्बत वो वॉर्म्थ नहीं मिलेगी। लाओ मैं संभाल लेती हूँ तुम्हारे बच्चे, मैं फ्री हूँ अभी, तुम भले चले जाओ मियाँ बीवी, एक दफ़ा ऐसा कुछ करके तो देखें, तीनों बच्चों को मेरे पास छोड़ के जाओ, जाओ तुम लोग अकेले जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो खाली हाथ आएंगे आपके लिए, कई दफा हुआ ऐसा हो सकता है, बताओ बिल्कुल होता है। तो अगर आप मोहब्बत देंगी तो मैं आपको एक दफा नहीं मिलेगी, दो दफा, तीसरी दफा मोहब्बत वापस, मैंने कितनी दफा संभाले, मगर एडवांस है, मतलब तैयार रहना, बाहर घूमना, उनकी मर्जी वो जैसे भी करें, तैयार रहना, आप भी तैयार रहें, ये भी तैयार है, बच्चों को अच्छा लगता है आजकल भाई, यदि आप मैरिड नहीं आप इस तरह कपड़े नहीं, दिस इज रॉन्ग, जो जो वहाँ गलतियाँ हैं, मैं ऐसी गलत बातें नहीं करती हूँ, और मैं इनको हमेशा ये कहती हूँ अप टू डेट रहा करें, क्योंकि इससे जो है ना आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो ग्रूम करती है, आपको पता, आपकी शनाख्त बताती है कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं। अगर आप ऐसी ही बैठी रहेंगी तो आप और डम हो जाएंगे एक जगह, नहीं आप कोई नहीं होती उनको ये कहने वाली, एक तो वैसे भी आप छोटी हैं रुतबे में, आप कोई नहीं होती कि आप डम हो जाएंगी, मतलब दिस इज नॉट, मैं कभी नहीं कह रही कि वो एडवांस है, हां उसका ले ले भाई, वो जो पहने वो जो करे थोड़ा कम करे ना, नहीं ये पैसा ये जितना भी करे वो अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं, आप तो कभी पैसे देने ले आप, और दूसरी बात ये कि ये समझे दिस इज ब्लेम गेम, भाई देगा अच्छा, दूसरी अच्छा ये बात एक बात समझे कि जब उम्र पुख्ता होती जाती है ना तो चीजें बदलना मुश्किल होती है, सही है, अगर आप उनसे कहेंगी भी ना शायद उनको समझ में ना आए, तो रिस्पेक्ट करें और रिस्पेक्ट देंगी आप यकीन करें टाइम के साथ साथ सब अच्छा हो जाए, मोहब्बत रिस्पेक्ट ये एलिमेंट हर रिश्ते में बहुत ज्यादा, ख्याल करने लगे छोटी उम्र होती है एनर्जी ज्यादा होती है, लाके देती हैं कुछ नहीं लाके देती हैं, अब आप लोगों ने बात तो करी देखिए चेंज होती नहीं चेंज होती, और नए चेंज हो नेक्स्ट टाइम फिर आके इनकी शिकायत करूंगी शिकायतें देखे कोई और घर के मसले इंसान खुद सवार सकता है सवार सकता है
दूसरे बाहर से आके बिगाड़ सकते हैं, सवार नहीं सकते। हमारा काम था आपको अच्छी बातें दोनों को नहीं, दोनों की तरफ से गलतियां हैं। लेकिन इधर चलें, ये होपफुल, ये अच्छी बात है कि होपफुल है कि बदलोगी ना, तो भाई नहीं, ये भाई जो है ना ख्याल करते हैं, जो मगर ये ऐसे देखती नजरों से जैसे मैं अच्छा नहीं समझ रही, मैं चुप हो जाती हूँ, चलो बाद में, मगर ये है कि करती बहुत है ये इस तरह की बातें। अभी आपने कहा कि आप बदलेंगी, अब आप फिर शुरू हो गई हैं उनके साथ, अभी सही हो जाएगा, बता रही हूँ पहले की बात, पहले की बात है ना, नहीं अब अच्छी हो जाएगी, अभी अच्छी हो जाऊंगी ना। आप ऐसा करें, चारों भाइयों के यहाँ कुछ कुछ दिन बांट लें, एक ही ताकि आपका भी दिल बदलता रहे। हमेशा ऐसे कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है कि उस भाई के बच्चों के साथ भी। अभी मेरे साथ आई तो उनकी बातें करें, दूसरे के साथ आऊंगी तो उनकी बातें करें। सबके साथ प्रॉब्लम है, सबके साथ प्रॉब्लम है, अगर सबसे प्रॉब्लम है ना तो आपके अंदर भी कुछ मसला। मैं बताऊँ सबसे अच्छी कौन सी है, सबसे जिस तरह मौसम बदलते हैं उस तरह भाभियों की चॉइसेस बदलती है। कभी जो है खिजा में ये वाली भाभी अच्छी होती है, बाहर में वो वाली भाभी, सर्दियों में ये वाली भाभी बहुत अच्छी। असल में ये बड़े भाई की है ना, तो इसके फर्ज ज्यादा बनता है, इसके पास ज्यादा रहती हूँ मैं, छोटी वाली तो कभी टाइम भी ज्यादा इनके साथ ना कुछ उम्मीद है, लेकिन मोबाइल पे अपनी बहन के साथ, अम्मी के साथ इतना रखती, कोई खाया पकाया ले, पता है क्या मुझे लगता है अम्मी बहन को कैसे छोड़ेगी, ये अपनी एंटरटेनमेंट के लिए ना उन पे डिपेंड करती है, दिन अच्छा गुजरता होगा भिड़-भिड़ करके। आप ऐसा करें ना, बहुत अच्छे एआरवाई के ड्रामे आते हैं, आप एआरवाई के ड्रामे देखे बहुत अच्छे। आज आ जाना, आज मैंने बिरयानी बनाई, आज तुम आ जाओ, आप बस एआरवाई लगा के बैठ जाती, बड़ी पतीली बात ही खत्म, ड्रामे देखा करें आप, एआरवाई लगा के बस बात खत्म। नहीं, जिस दिन पतीली चढ़ती ना मुझे, मैं समझ जाती हूँ आज किसी को आएगा। बताओ एक बात बताओ, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जब शादी होने वाली होती है ना, तो शॉर्ट कोर्स जैसे रंगून वाला हॉल या ह्यूमन फाउंडेशन में खाना पकाने का होता है, एक कोर्स इस तरह का ट्रेनिंग का होना चाहिए। पता है क्या, स्कूल साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी का एक कोर्स हर रिश्ते को कराना चाहिए, फिर जाके शादी तय हो। पाकिस्तान में इतने ज्यादा फिनिशिंग स्कूल्स नहीं है, लेकिन देयर आर फिनिशिंग स्कूल्स जहाँ पे ये सिखाते हैं कि आपने किस तरह से यू नो उठना बैठना एंड ऑल दैट, वो सिखाते हैं यार। लेकिन एक बात बताओ, मिसाना एक बात ये कहूंगी कि देखो हमारे यहाँ भले ही कितने मसाइल हों कुछ, लेकिन ज्यादातर अगर आप देखें रिश्ते ज्यादा हमारे यहाँ निपते, हमारे इस खित्ते में ज्यादा रिश्ते निभाना, हर किसी के साथ लेके चल रहे, पूरा खानदान लेके चल रही होती है। तो आप गोरा भले ये कह रहे हैं हम लोग बड़े एडवांस है, ये वो, उनके यहाँ रिश्ते नहीं रहते, लेकिन गोरों में अगर आप गोरों के नीचे वाले तबके में जाते जाएं तो बहुत ज्यादा बुराइयां हैं। हाँ, गोरों के निचले तबकों में जाते जाएं, जब वो जो वेल ऑफ नहीं है, हम वेल ऑफ फैमिलीज देखते हैं, अच्छा ये गोरा है, इसकी इतनी बड़ी गाड़ी है, जो गरीब होते हैं ना बड़े मसाइल हैं वहाँ पे ज्यादातर। तो सो कंक्लूजन इसकी यही है कि दूसरे को प्यार मोहब्बत रिस्पेक्ट दे, अगर वो रुतबे में आपसे बड़ी हैं, नंद हैं, तो आप उनको सास उनको ही समझना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वो कॉम्प्रोमाइजेस जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है वो उन्होंने किए अपने भाइयों के लिए। एंड वाइस वर्सा सास भी जो है ना वो खुश होती हैं देख कर कि मियाँ बीवी एक साथ घूम रहे हैं, रिश्ता पनप रहा है, मेरा बेटा खुश है, तो उसी तरह आपका भाई अगर खुश है और आपके भाई को उन्होंने खुश रखा है, आप भी उनको रिस्पेक्ट दें। मैंने कहा अब क्या रिश्ता देखो, पता नहीं होगी शादी नहीं, तुम्ही लोग साथ रहना है मुझे, अब पता नहीं होगी शादी के लिए रिश्ते देते थे कि डिमांडिंग। अच्छा नहीं, एक बात बताएं, अगर ये मैं फर्स्ट करने बोल रही हूँ, प्लीज इसको जज मत कीजिएगा, अगर कोई अच्छा रिश्ता आया तो आप चाहती हैं कि आप शादी करें? हाँ, मैं तो कर लूं। दैट इज सो क्यूट, देन यू शुड, मेरी दुआ है कि आपको रिश्ता मिले इंशाल्लाह। देखिए कोशिश करते हैं इनके मिजाज के मुताबिक इनको रिश्ता मिले, कोशिश करें मिल जाएगा इंशाल्लाह, मिलेगा जरूर मिलेगा। एंड यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थैंक यू सो मच आप तीनों अपने जो एक्सपीरियंसेस है, जवान जहान सफेद नहीं हुए इन्होंने किए धूप में बाल, लेकिन वो जो एक्सपीरियंसेस हैं और हमारा मिलना जुलना बहुत लोगों से होता है शायद, जो हर घर की औरत का नहीं होता होगा, उसकी वजह से हम काफी हेल्प आउट कर पाते हैं। तो ये जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, ये अगर आपके दिल पर इनमें से किसी की भी बात लगी है और आपको खुद को बदलने का वो एक मौका फराहम कर रही है, तो उस मौके को अवेल कीजिएगा अपनी बेहतरीन ज़िंदगी के लिए। छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आप जिस बात पर परेशान होती, मैं भी उस बात पर ही परेशान होती। आजकल के बच्चे ना सिर्फ ये बाहर के खाने, जंक फूड, इनसे ही जाके खुश होते हैं। चिकन खानी है हर वक्त उनको भाई,
सब्जी भी उनके लिए जरूरी है, न्यूट्रिशन सारे पाने के लिए बैलेंस खजा का होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए एज माँ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे ब्रांड को, मैं और शेफ फरा भी, हम दोनों बिल्कुल ठीक ठाक, हम लोग लेकर आए एक ऐसी ब्रांड को जिसका नाम है मसाको। और मसाको जिसकी वजह से आप इस्तेमाल अगर करें तो हर खाने में आप चिकन का फ्लेवर डाल सकती हैं, इंड्यूस कर सकती हैं। ये पाउडर फॉर्म में होता है, आसानी से हल हो जाता है। तमाम इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं वो नेचुरल हैं, हलाल सर्टिफाइड हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी जेब पे बहुत हल्का है, कोई महंगी प्रोडक्ट नहीं है। सिर्फ 15 रुपए में आप चिकन का फ्लेवर हासिल कर सकते हैं। 2 क्यूब्स का मज़ा एक सैशे में मौजूद। इसमें शामिल है रियल चिकन जो है, तो इसलिए घर बैठे आप साफ सुथरा बहुत मज़ेदार खाना बनाकर सबकी तारीफें समेट सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप इसे दाल में, पुलाव में, मटर पुलाव में, सब्जियों में, हर चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठे में ना इस्तेमाल कर लीजिएगा बस। इसमें चिकन का जायका चाहिए। आपके हर खाने का फ्लेवर ये बेहतरीन कर देगा। अगर आपको लगता है कि मेरे हाथ में तो जायका ही नहीं है तो चले मसाको आपके हाथ में जायका भी ले आएगा। बिल्कुल। और आज शेफ फरा कुछ बना के हमें दिखा रही है मसाको की मदद से। बिल्कुल, मसाको की मदद से हम बनाएंगे क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, शुरू हो चुकी है, सब्जियां बड़ी ताजा ताजा आ रही हैं, तो हम तो बड़े शौक से खाते हैं, बच्चों को खिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको तो हर चीज में चिकन चाहिए होता है। तो मैंने कहा थोड़ी सी चीटिंग करें, लेकिन बच्चों की सेहत की अच्छी सेहत के लिए तो कोई बुरी चीज नहीं है। बिल्कुल। तो हम सब्जी बनाएंगे लेकिन जायका होगा इसमें चिकन का, जो बच्चे चाहते हैं बड़े चाहते हैं, तो देखिए किस तरह से चिकन सब्जी बनती है चिकन के जायके के साथ। अच्छा, बहुत ही आसान है। मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, और जो आजकल के सीजन की जितनी भी सब्जियां हैं वो आप इसको ले सकते हैं, या फिर आपके घर में जो सब्जी खाई जाती है आप वो ले सकते हैं। और बच्चे जो सब्जी नहीं खाते वो तो स्पेशली आपने लेनी है, क्योंकि हमने इसके अंदर शामिल करना है मसाको पाउडर, जो कि बच्चों को देगा टेस्ट चिकन का, और ज़बरदस्त था इसकी खुशबू, इसका अरोमा और टेस्ट तो लाजवाब है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑयल इसमें गर्म कर लिया। अच्छा, हरी मेथी जो फ्रेश वाली है, वैसे तो पूरा साल हम ड्राई मेथी को इस्तेमाल करते रहते हैं कढ़ाई में, लेकिन आप इससे फ़ायदा उठाएं तो मैंने ये हरी मेथी है, थोड़ी सी उड़ेगी इसके साथ ही। इसकी यही तो खुशबू है। और इसमें तकरीबन 2 अदद मैंने टमाटर हैं चॉप किए हुए वो डाल देने हैं साथ में, कि सब्जी जब खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। सही है। अच्छा, इसमें मैंने शिमला मिर्च है वो मैंने इसके अंदर डाला है तकरीबन 1 कप, और आपको अगर येलो वाला शिमला मिर्च बेल पेपर मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं मिलता तो ग्रीन वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मैंने तकरीबन 1 कप। गाजर मैंने यहाँ ले लिया है, इसको भी मैंने क्यूब में मैंने काट लिया है, वो तकरीबन 1 कप। इसके साथ हमने यहाँ पर गोभी ली हुई, फूल गोभी, उसको मैंने थोड़ा सा पानी में इसको हल्का सा मैंने इसको गला लिया, ये ब्लांच कर लिया, उसके बाद मैंने इसके फूल काट लिए हैं। इससे आसानी होती है, गलता भी आसानी से, और ये टूटती भी नहीं है, इसकी ये एक टिप थी। और साथ में आलू ले लिए हैं, उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है, और साथ में मैं इसके अंदर शामिल करूँगी यहाँ पर ये थोड़ा सा चाट मसाला, हल्का सा, ज़रा सा, 1 टीस्पून चाट मसाला, उसके साथ वाइट ज़ीरा 1 टीस्पून, और यहाँ पर मेरे पास मटर है, उसे मैंने बॉईल कर लिया था, और मटर भी बड़े अच्छे आए हुए हैं, जल्दी से बॉईल हो जाते हैं, तो आपने इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर, ये ज़्यादा था, 1 कप के बराबर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। साथ में इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। यहाँ तक तो काम सही हुआ, लेकिन चिकन की खुशबू कहाँ है, है ही नहीं उसके अंदर, हमें तो चिकन की खुशबू चाहिए, तो इसके अंदर जाएगा मसाको। मसाको आपके खाने को स्पेशल कर देगा, सारे खाने को लिजा रही थी जो लंबी चौड़ी लिस्ट बताई, उसके साथ एक सादे राइस, बिल्कुल बॉयल्ड राइस होते हैं जो आप दाल के साथ खाते हैं बॉयल्ड राइस, तो आप इसमें भी मसाको अगर आप पाउडर डाल देंगे चिकन पाउडर, तो क्या होगा उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, बच्चे वैसे ही खा लेंगे। तो यहाँ पर अच्छा, ये देखिए फरा ने ना इसमें नमक नहीं डाला, उसकी वजह से मसाको में वैसे ही नमक होता है, नमक शामिल होता है इसके अंदर, और ये अच्छे से खाने के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। बिल्कुल। आपकी किसी भी रेसिपी में आप उसको मिलाएंगे तो इसमें लम्स नहीं बनेंगे, गुठलियाँ नहीं बनेंगे, वो इजीली इसके अंदर मिक्स हो जाता है, और इसकी खुशबू। और 1 पैकेट, और 1 पैकेट कितने का, 15 रुपए का है, और बहुत ही ये आपकी सब्जी इतने मज़े की अगर बनेगी तो बच्चे कैसे ही रहेंगे इसको खाए बगैर, और हम तो माएँ बस लगी होती हैं किसी तरह सब्जी खा लें बच्चे, सब्जी खा लें बच्चे, हर वक्त चिकन 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 करते हैं, तो सब्जी का उनको जायका अच्छा लगेगा, तो आपके घर में शुक्र है
कि एक दिन हफ्ते में तो खिला सकेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी आदत डेवलप हो जाए तो फिर आप और चीजों में, दालों में मिला दें मसाको, और चीजों में मिला दें, चावलों में मिला दें, और बच्चों को फिर और अलग अलग खाने। और एक बहुत ही अच्छी मैं आपको रेसिपी बता दूं, जैसे मैंने यही वाली सब्जी बनाई, आपके बच्चे फिर भी नखरे कर रहे थे, तो थोड़ा सा मैश कर लें आप, मैश करने के बाद बिल्कुल एक लाइक बिल्कुल हलवे की तरह वो बन जाता है, तो फिर आपने वो स्पून से खिलाए तो बच्चे को इतना अच्छा लगा, आपके मैंने इसके अंदर चिकन को मैश किया हुआ है, आप इसे खा लें तो वो बड़े शौक से बच्चे खाते हैं। वैसे भी बच्चों को खुशबू जो है ना वो बहुत अट्रैक्ट करती है, खुशबू जब आएगी किसी भी खाने में तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बच्चे बड़े तमाम लोग इसे शौक से खाते हैं। और आप मसाको की खास बात है कि आपके खाने को स्पेशल बना देता है। गेस्ट आ रहे हैं तो हम बच्चों की बड़ों की बात कर रहे हैं, गेस्ट आ रहे होते हैं घर में, हमारे पास आलू रखे हुए होते हैं और हमारे पास थोड़ी सी सब्जियां रखी होती हैं, हम क्या करें यार कुछ ऐसे स्पेशल बनाए, तो मसाको है ना आपने उसके अंदर ऐड कर देना है, आपकी रेसिपी को इतना अच्छा बना देगा, स्पेशल बना देगा, मेहमान भी खुश, आप भी खुश, और आपके तो बिल्कुल बजट आउट। बहुत सारे चाइनीज खाने भी होते हैं जिसमें आपको वो फ्लेवर नहीं आ रहा होता क्योंकि आप जाहिर है बाकी सारी चीजें तो बैन हो चुकी हैं, बिल्कुल। तो मसाको की मदद से आपके अंदर वो खानों के अंदर वो फ्लेवर भी आपको मिल जाता है जिसकी आपको तलाश होती है। अच्छा, जब भी मैं मसाको के पास में खड़ी होती हूँ यहाँ पर इस प्रोडक्ट के पास, इस ब्रांड के पास, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं। सर्दियाँ आ गई, सूप, चिकन सूप कितना लोग पीते हैं, चिकन अवेलेबल ही नहीं है आपके पास, सारी चीजें मौजूद है, सॉसेस मौजूद है, चिकन नहीं है, परेशान नहीं होना, आपने चिकन जिसे बॉईल करते हैं उस जगह पे आपने पानी बॉईल करके मसाको पाउडर डाल देना है, उसके अंदर फिर कॉर्नफ्लावर डाल के एग डाल के उसको आपने सूप तैयार कर लेना है, कितनी अच्छी रेसिपी आपको मिल गई। तो आप सॉस इसके अंदर ऐड करके आप उसको सूप को इंजॉय करें जब आपका दिल करता है रात को, तो ये हमारा यहाँ सबसे अच्छी बात ये है, हलाल सर्टिफाइड, हलाल सर्टिफाइड है, और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल शामिल है, वो सारे हलाल हैं, हलाल हैं, आप इसको आंखें बंद करके ले सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सस्ता है, इस इतने महंगाई के दौर में हर चीज़ इतनी महंगी होती जा रही है, लेकिन इतना सस्ता है, और दो क्यूब्स एक ही पाउडर आपके साशे में आपको मिल जाता है, आप इसको ऐड करें, इस्तेमाल करें। हमने तो आपको थोड़े से खाने बताए, आपके घर में तो पता नहीं कौन कौन से खाने, बेसन की टिक्कियाँ भी बनती है, उसके अंदर भी आप टेस्ट ला सकते हैं। और अच्छी बात ये कि ये मैजिक मसाला ट्रिक आपके घर के हर फर्द को पसंद आएगी क्योंकि देखिए ना, बुजुर्ग भी सर्टेन एज में उनका टेस्ट चला जाता है, बिल्कुल कोई चीजें अच्छी लग रही होती, तब उनके मजे के लिए भी आप ये शामिल कर सकते हैं, उनके लिए सूप बना लें जैसे कि फरहान ने आपको बताया, उनके लिए दलिया भी डाल सकते हैं, है ना जी, बिल्कुल। दलिया आजकल लोग देसी दलिया सुबह नाश्ते में खाते हैं, डाइट के लिए उनके लिए बड़ा अच्छा कि आप ये डाल दें, टेस्ट आ जाएगा, टेस्ट आ जाता है, जबरदस्त सा टेस्ट आ जाता है, आप हर चीज में इसको डाल सकते हैं। मैं तो साबूदाना खाती हूँ ना सुबह, उससे हड्डियाँ भी बड़ी मजबूत होती है, तो उसमें भी ये डाल सकता है। और क्या होती है, यखनी बना सकते हैं आप इसकी यखनी इजीली, पानी बॉईल किया आपने, मसाको ऐड किया, इसकी यखनी मजेदार सी आपकी बन जाएगी। बच्चे दवाई नहीं पी रहे होते, खांसियां आजकल हैं, तो आप उनको गरम गरम यखनी में ये डाल के दें, टेस्ट भी अच्छा होगा और उनका खांसी का मसला भी हल हो जाएगा, मसला भी हल हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो ये हमारी जो मसाको की जो वेजिटेबल है चिकन के फ्लेवर के साथ, मसाको मसाला, चिकन का मसाला, और इतना अच्छा किया आपने, बहुत ज्यादा नहीं पकाया, इसके कलर्स इतने अच्छे हैं, देख के दिल चाह रहा है। इसकी एक ट्रिक ये है कि आपने पहले से थोड़ा थोड़ा इसको ब्लांच बॉईल कर लेना है, हल्का हल्का सा करना है, इसको गलाना नहीं है, तो आप इसको बॉईल कर लें उसके बाद आप पकाएं, आपका कुकिंग टाइम भी कम रह जाता है और ये अच्छी भी बहुत लगती है, और दिखने में भी अच्छी लगेगी, तो खाने में अच्छी खुशबू, बहुत खुशबू भी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी खुशबू है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये मेरी यहाँ पर वेजिटेबल तैयारी हो गई है, अब इसको आप रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ, आपकी मर्जी, आपकी ये आपकी मसाको के साथ, जबरदस्त सब्जी तैयार है। थैंक यू सो मच फरहा, बहुत शुक्रिया आपका, लोगों को एक मजे की रेसिपी मसाको के साथ बताने के लिए। ये था हमारा आज का शो, इसी तरह मोहब्बत और प्यार का इजहार करते रहिए जैसे आप करते हैं, वरना मैं दिल बर्दाश्ता हो जाऊंगी बाकी नेगेटिव लोगों की बातों से। तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखें, चले मंडे को गपशप लगाएंगे एक साथ। थैंक यू मेरे महके वालों, खुदा आई है तेरी पलके चुमके, हवा के साथ चुमके, हाँ गोल गोल घूम।